नमस्कार, मेरा नाम है राजीव गौर बजाज जनिवार के भी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर, राइट वैकेंसी, थैंक यू सो मच। हम दोनों नेशन नाउ पर हैं। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, चाइनीज में निहाओ, जापानीज में कुनिचिवा। प्रदीप जी अबारिया को जाम्बो फॉर व्यूअर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वेयर एवर द स्पीक्स स्वाहिली। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। Yeah, I love the way he says that. That's really, truly, absolutely fantastic. Because Africa, you got various, I mean, German colonies, you got the Portuguese colonies, you got the French colonies. Oh, this is really lovely. Right. Right from the Gulf of Aqaba, right to the bottom where the Indian Ocean meets the Antarctic Ocean in South Africa. Yes, the yes, tip of yes. South Africa, at the Straits of Magellan. My God, that's such a beautiful... In the history, where Zanzibar is concerned... Yes. Wanted to go there, Zanzibar, beautiful, the Stone City, they call it. Stone City, where trade took place between Africa and India, but it's Kerala especially. That's right. Zanzibar and Kerala. The Zamorin of Zanzibar and the kings who ruled in Kerala. Kerala. Fantastic. Absolutely wonderful. Right, and of course, we will of course be discussing what's been happening in Delhi. Delhi mein किस प्रकार मंत्रिमंडल को लेकर के क्या क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है, उस उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आर वेरी डियर फ्रेंड, आम आदमी पार्टी एक्टिविस्ट जनाब सुंदर पाठमुख साहब। और सुंदर पाठमुख साहब एज यूजुअल इज फाइटिंग फॉर द डाउन ट्रॉडन, फॉर द स्लम ड्वेलर्स, और एज यूजुअल जो नौकरशाह हैं, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स आर स्टॉपिंग हिम from doing his duty. Let's go straight across to Sundar Patmukh sahab. Sundar Patmukh sahab, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Bade dinon ke baad aapse mulaqat ho rahi hai sir, bade dinon ke baad. Mujhe lagta aap bhi bade, aap bhi chunav ke andar bade busy honge, aam aadmi party ko lekar ke har jagah par aap bhi chunav prachar mein lage the, malum hai humko. To sir aap bataye, ye jo MMRDA wo jo airport ke saath wali land hai, uske andar vastavikta mein kya ho raha hai, kyun itni der lag rahi hai सब लोगों को रिहैबिलिटेट करने में, सबका पुनर्वसन करने में, क्या हो क्या रहा है सर? सर जरा बताएं प्लीज। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में ये सारा रिहैबिलिटेशन का इशू है जी। 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो थे अशोक गजपति राजू, इन्होंने एक लेटर भेजा था पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से ये लेटर भेजा गया था 2014 को, और उसमें लिखा था कि हम लोग इनसीटू रिहैबिलिटेशन करेंगे और 50% लैंड, 309 एकड़ जो जमीन है एयरपोर्ट की, स्लम को इंक्लूडिंग स्लम, तो इससे 50% लैंड के ऊपर इनसीटू रिहैबिलिटेशन किया जाएगा और 50% लैंड एयरपोर्ट एक्सपांशन ब्यूटिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। ये सारा मामला 2014 में तय हुआ था, और उसके बाद में एक पॉलिसी भी बनाया गया था। पॉलिसी में उन्होंने डिस्कस किया था कि एक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के चंद्र, ये जो देशमुख बोल के थे, देशमुख बोल के एमआईएल के चीफ थे, उन्होंने ये बोला था कि एयरपोर्ट लैंड के ऊपर कौन सी लैंड हमको मतलब एक्सपांशन के लिए, मतलब ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी एयरपोर्ट का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कौन सी लैंड हमको जरूरी नहीं है, हम लोग विद इन अ मंथ हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताएंगे, एमएमआरडी को बताएंगे। 2017 में ये चल रहा था, और जैसे ही 2018 में अडानी मैनेजमेंट यहाँ पे आया, और अडानी मैनेजमेंट ने आने के बाद में सारा मामला बंद करके रखा है। रिहैबिलिटेशन का एक सादा फ्लैट इन्होंने 2018 के बाद, मतलब 2006 के बाद, जो दो तीन साल में जो 17-18 हजार जो फ्लैट बने थे विद्या विहार में एसडीआईएल के जरिए, उतने ही फ्लैट बने। उसके बाद में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये खोखे सरकार, ये खाली अपना खोखा अपना पैसा बचाने के चक्कर में कहां गोवा गुवाहाटी भाग रहे, तो कोई सूरत भाग रहे, तो कोई आसाम भाग रहे, कहां कहां भाग रहे,
और अभी तक ये लोग अपना पैसा छुपाने के चक्कर में पूरा उद्धव जी का सरकार लोगों को तोड़ दिया, संगठन तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, शरद पवार जी का पार्टी तोड़ दिया, और ये अभी तक। लेकिन लोगों का जो प्रश्न है, मुंबई के लोगों का प्रश्न है, 70 लाख लोग स्लम में रहते हैं और उनका रिहैबिलिटेशन का इतना बड़ा इश्यू है, ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, खाली ये लोग बोल बच्चन करते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने बताया था, संदेश नगर कुर्ला में पूनम महाजन जी के प्रचार के लिए देवेंद्र फडणवीस ने, देवेंद्र फडणवीस जब भी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने वहां के संदेश नगर और क्रांति नगर के लोगों को, मीठी रवर के बाजू में जो लोग बसे हैं, ऐसे 93 लोगों को चुना था और पात्र लोगों को विद इन अ मंथ वो लोग विद्या विहार में फ्लैट देने वाले थे, पुनर्वसन करने वाले थे। लेकिन मैं बता दूं कि आज तक उनको उनका पुनर्वसन नहीं किया गया। पाठबुक जी, एसडीआईएल ने बहुत बड़ा रिहैब कंपोनेंट्स बनाया था कुर्ला प्रीमियर के जगह पर, प्रीमियर के जगह पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, अनऑक्यूपाइड थे, आज उनका स्टेटस क्या है? बिकॉज वहीं पर आपके बहुत सारे लोग को शिफ्ट करने वाले थे जो एयरपोर्ट रिहैबिलिटेशन में बैठता नहीं था। तो ठीक है, एक तरफ इंसिटू के बात हो रहे, मगर जो बनाया हुआ था एसडीआईएल के माध्यम से, उसका क्या स्टेटस है आज के तारीख में? वहां पे विद्या विहार में जो फ्लैट 16,000 जो फ्लैट बने थे, उसमें से 3,000 खाली फ्लैट को रिहैबिलिटेशन किया गया लोगों को, उसमें से सहार एलिवेटेड रोड जो बना था उसमें 1,500 लोगों का रिहैबिलिटेशन किया गया, और बीएमसी के कुछ लोगों को, मतलब ऐसा मिला कि रोड वाइंडिंग, गटर वाइंडिंग, बीएमसी और एयरपोर्ट, सहार एलिवेटेड रोड, ऐसे 3,000 लोगों को खाली रिहैबिलिटेशन किया गया। उसके बाद में कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, और वो बिल्डिंग है जो दीवान बिल्डर ने ओपन मार्केट में 2,000 करोड़ का जो टीडीआर घोटाला जो हुआ था, उसके वजह से वो सारे फ्लैट खाली पड़े और वो टूट गए सारे फ्लैट। सोलह हजार फ्लैट में 3,000 फ्लैट रिहैब कंपोनेंट्स में एकोमोडेट किया, बाकी 13,000 बाकी खाली पड़ा है। पाठमुख जी, जी जी, ग्रेट लॉस टू द एंटायर, सरकार को भी लॉस है, लोगों को भी लॉस है, सबको लॉस हो गया इसमें। तो वो रिपेयर नहीं हो सकते क्या सर? वो रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि इतनी देर से रिपेयर भी करने के लिए 90 करोड़ रुपया देवेंद्र, जो दिलीप लांडे मामा, इन्होंने स्टंट किया वार्ड एसआरए ऑफिस में, अपने बेटा, अपनी वाइफ, इनको और कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर एसआरए के जो चीफ है उनके कैबिन में नीचे बैठे एक दिन का स्टंट किया, और वहां पर विद्या विहार में लोगों को रिहैबिलिटेशन करने का उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया, और वहां पर टूटे फूटे घरों में, वही टूटे फूटे घरों की लॉटरी निकालकर और वहीं पे लोगों को डालने का कोशिश इन्होंने किया, लेकिन वो घर अभी भी रहने लायक नहीं है। ऐसा पता चल रहा है कि वहां पे लोगों को पानी की दिक्कत है, वहां पे टूटे फूटे घरों में लोग जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि झोपड़पट्टी में भी घर गिरने के लायक हो गए, घर पक्के नहीं है, घर गिर रहे, मीठे नदी में अभी पानी भर जाएगा तो सब घरों में पानी चला जाता है, इसलिए लोग जाए तो जाए कहाँ, इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो टूटा फूटा क्यों नहीं होता, वो ले लेते, और लोगों ने वो लिया है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो रहा जी। राइट, थैंक यू जी। तो प्रदीप जी, पर दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ये जरा टाइमलाइन बताएंगे सर इसकी? पाठमुख साहब, कितने साल हो गए इस प्रॉब्लम को? ये प्रॉब्लम 2006 में जैसा जीवी के कंपनी आई थी एयरपोर्ट लैंड में, और 2008-09 तक वो फ्लैट रेडी हो गए थे, और उसी पीरियड में 10 और 11 के पीरियड में सहार एलिवेटेड रोड के लोगों को 1,000-1,500 लोगों को वहां पे रिहैबिलिटेट किया गया, और रोड वाइंडिंग और गटर वाइंडिंग के लोगों को और बीएमसी के थ्रू कुछ लोगों को ऐसे 3,000 लोगों का पुनर्वसन किया गया, और 2011 के बाद में यमाइल और एसडीआईएल का जो एग्रीमेंट था घर बनाने का, और इसका तो एसडीआईएल ने जो टीडीआर बेचा उसके वजह से वो एमआईएल ने उसके साथ का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, और 2011 से लेके 2024 मतलब वो 9 और ये 4 ऐसा 13 साल हो गया वो फ्लैट खाली पड़े, टूट गए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेलियर है। तो जो ऑलरेडी रहीवासी है
जैसे हमने पार्ला पार्ला ईस्ट में अंबेडकर नगर अलग अलग जो ये चार पांच बस्तियां है वहां पर लाइट का समस्या है, रोड का समस्या है, आज वो बरसात भी आज शुरू हो गया, जिस प्रकार से एक दो दिन से बरसात भी शुरू हो गया, तो वहां पर क्या रहने की स्थिति क्या, बिकॉज रोज भी रोड भी बने हुए नहीं थे जो जो पुराने सारा स्टार के पीछे वाले पूरे बस्ती जो पीछे रोड जाते हैं वो पूरा रोड खराब है और सालों साल से खराब है, बना नहीं है। नंबर वन रोड्स और घर इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सारा एरिया में प्रॉब्लम था, तो क्या उसका स्टेटस क्या है पाटबुक जी? अभी इलेक्ट्रिसिटी तो वहां के लोगों को, वाल्मीकि नगर के लोगों को आ गई, काफी टाइम से हम लोग फाइट कर रहे थे, तो वहां के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी आ गई और मेट्रो में उन लोग का घर अफेक्ट हो गया और उन लोग को टेम्पररी बेसिस पे 2022 से वडाला भक्ति पार्क में उनको घर दिए गए, कुछ लोगों को कुरला कसाईवाड़ा में दिया गया ईस्ट में और कुछ लोगों को विद्या विहार में दिया गया, तो ऐसा वो पुनर्वसन तो उनका मतलब पार्ट पार्ट में हो ही रहा है, लेकिन रोड का जो समस्या था तो हम लोग लगातार आम आदमी पार्टी के तरफ से बीएमसी वार्ड केस्ट वार्ड और अडानी मैनेजमेंट इनको लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे, लास्ट में पता चला कि ये सारी जवाबदारी मतलब अडानी की है, उसमें सारा स्पष्ट लिखा है, एमएमआरडी का लेटर भी हमारे पास है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये अडानी मैनेजमेंट ने ये सब करना चाहिए, तो उसके बाद में जब हमने बोला कि अभी हम लोग मोर्चा निकालेंगे, अगर मोर्चे से काम नहीं हुआ तो हम लोग आपको मतलब अडानी और बीएमसी दोनों को भी कोर्ट में खींचेंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ये सब डाल रहे थे, और ऐसे में पराग जी आलवानी बीच में कूदे और उन्होंने कई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एमपी का फंड लाया और घाई घाई में उन्होंने वो रोड बना दिया है, जबकि रोड बना है लेकिन गटर नहीं बना है, गटर का कोई प्लानिंग नहीं है, आज आप देखोगे कि पूरा गटर का पानी रोड पे चल रहा है, पूरा गटर का पानी रोड पे चल रहा है, तो ये पराग जी आलवानी इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, खाली इनको लोगों को दबाना है, लोगों को मतलब भीख मांगने के जैसा वो लोग भिखारी जैसा लोगों को सुविधा देते हैं, नागरिक सुविधा हमारे लोगों का हक है और वो हक हमको हम लोग छीन के लेते हैं, बिजली हमने लाई है, पानी हमने लाए है, हमारे घर हमने बनाए, और ये रोड की समस्या जो थी ये पराग जी आलवानी इन्होंने बीच में कूद के कैसे फंड लाया और ये टेम्पररी ये कच्चा आप देखोगे तो कई बहुत सारी जगह पे रोड उखड़ भी गया है। पानी रोड पे चल रहा है। आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा पहले 2014-2018 में अडानी से पहले उन्होंने कहा हमको सिर्फ 50% एरिया चाहिए फॉर एयरपोर्ट एक्सपेंशन, मगर आज का ये आलम है कि एयर इंडिया कॉलोनी को तोड़ दिया गया, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी तो जॉइंट कॉलोनी थे, बड़ा बड़ा कॉलोनी थे, वो डेमोलिशन उन्होंने शुरू कर दिया, सबका एविक्शन देके नोटिस, एयर इंडिया स्टाफ है जितने कॉलोनी में रहने वाले सबको खाली कर दिया, ये कलीना ओल्ड एयर इंडिया, ये कलीना सेंटर क्रूज ईस्ट कुरला उस तरफ, तो ऑलरेडी थोड़ा कार्रवाई तो उन्होंने चालू कर दिया है एटलीस्ट कॉलोनी में, और वहां क्या प्लान है नहीं है वो कुछ पता नहीं है, क्या आपको मालूम है, आपको प्लान दिखा दिया, बिकॉज यू आर पार्टी अफेक्टेड पार्टी, क्या आपने वो प्लान दिखाया है या एयर इंडिया कॉलोनी यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सपेंशन के हिसाब से क्या होगा? हम लोग जो है मुंबई एयरपोर्ट के स्लम ड्वेलर्स का 80,000 झोपड़े एयरपोर्ट के बगल में है और ये 80,000 झोपड़ों का इन सीटू रिहैबिलिटेशन कैसे हो सकता है, इसका पूरा प्रॉपर प्लान हम लोग के पास में है और वो जगह भी हम लोग दिखाएंगे, जगह भी हम लोग के पास है, लेकिन मामला ये है कि अभी तक हमारा कोई जो एमपी जो था बीजेपी के एमपी जो थी पूनम महाजन जी, इन्होंने हमारी 10 साल में एक बात नहीं सुनी, इसलिए हमने वर्षा गायकवाड़ जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रचार किया और वर्षा गायकवाड़ को हम लोग ने जीत के लाया है और तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग ने निवेदन दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जी अब आपकी मदद करेंगी। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर आपसे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर, वो तो करेंगे ही, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर कि बारिश आने वाली है कल या परसों, जबरदस्त मानसून आने वाली है मुंबई में, तब ये लोग क्या करेंगे सर, ये तो बताइए। इसे एयरपोर्ट के विले पार्ले साइड में अंधेरी और सांताक्रूज साइड में फ्लड का, और ज्यादातर मिठी रिवर जो है संदेश नगर क्रांति नगर जो कुरला साइड के जो झोपड़े है वहां पर बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो सकता है,
और अगर वहां पे हमने वो टाइम में देवेंद्र फडणवीस जी को लिखा भी था कि ये जो यहाँ पर आपने 93 लोगों को शिफ्ट करने का वादा किया था, लेकिन आपने अभी तक उनको प्लास्टिक चाबी दिया, लोखंड चाबी दिया और एसआरएन ने वहां पे नोटिस लगा दिया कि ये रहने लायक नहीं है, तो अभी अगर बारिश आएगा और बारिश का मिठी रिवर का पानी अगर लोगों के घर में घुसेगा तो इससे जान माल का अगर नुकसान हुआ तो इसलिए पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस जी आप जवाबदार होंगे। तो वो लेटर देने के बाद मुझे दिन भर पुलिस चौकी में बिठा के रखा था। तो आप ये बताइए सर, तो आप ये बताइए सर, हमारी आदरणीय सामान्य सांसद जो थी यहाँ पे, अब तो हार गई है, दो बार वो सांसद बनी, दो बार चुन के आए, तो 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया सर। फडणवीस साहब, सर 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उनके पास जब हम लोग गए, कलीना यूनिवर्सिटी के बगल में 250 झोपड़े थे और उनके रिहैबिलिटेशन वहाँ उनको माहौल में डाला जा रहा था, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने जब गए तो उन्होंने बोला अरे ये कचरा पट्टी तो ये बीजेपी वाली जो हमारी एमपी थी ये लोग झोपड़ पट्टी को कचरा पट्टी समझते हैं। वो बोले कि ये कचरा पट्टी तो मुझे साफ ही करना है, इनका रिहैबिलिटेशन का कोई नहीं, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे जाना पड़ेगा। और हम लोग पूरे एयरपोर्ट का भी प्लान बनाकर लेके गए थे, तो हम लोग खाली उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, तो पूनम महाजन जी उनके फ्लैट के नीचे ही मिली और बोले कौन सुंदर, और सुंदर से हमको कोई बात नहीं करनी, मुझे दिल्ली जाना है। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप एमपी है, हमारा प्रश्न को आप दिल्ली लेके जाइए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन हमारे पास है, इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन सिविल एविएशन डिक्लेरेशन करने को तैयार है, आप खाली थोड़ा सा पुश कर दीजिए और हमारा पुनर्वसन इंस्टीट्यूट कहाँ करना है वो एमआईएल खुद बोल रहा है, एमआईएल के मैनेजमेंट के अधिकारी सारे बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए तो हमारा पुनर्वसन का काम चालू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी काम नहीं किया और इसके वजह से सारा काम वैसा के वैसा ही रहा और आपने इसलिए वर्षा गायकवाड़ को चुन कर लाना पड़ा। तो आपने अब पूनम महाजन जी को ही अलविदा कर दिया, क्योंकि ये होता है, हमने हमने पूनम महाजन जी को अलविदा नहीं किया, जबकि भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने ही उनको अलविदा किया और उनको टिकट नहीं दिया, और इन्होंने बहुत पढ़ा लिखा बहुत बड़ा जुझारू एडवोकेट जो मुंबई का बहुत बड़ा हर केस उनके पास जाता था, ऐसे वकील को लाया और उनको खड़ा करके यहाँ पर मतलब वोट लाके सत्ता में लाने की कोशिश की। लेकिन लोगों को पता है कि जब पराग ललवानी भी एडवोकेट है, आशीष शेलार भी एडवोकेट है, दो दो एडवोकेट होके हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट का वकील आके हमारा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? इनको हम लोग कहाँ जाए मिलने के लिए? वो जलगांव में रहते थे, वो जलगांव में जाना पड़ेगा या हाईकोर्ट में, कौन से कोर्ट में उनको ढूंढे? मैं सुना था कि पार्ला में आपके पार्ला ईस्ट में कहीं ऑफिस था उनका, किनका? उज्जवल निगम का इलेक्शन ऑफिस? नहीं, पार्ला में कहीं हमको ऑफिस नहीं दिखा उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है साहब, जबरदस्त। लेकिन एक चीज तो है, आपको मतलब मैं ये बार बार पूछता हूँ आपसे, 15-20 बरस हो गए हैं इस समस्या को, 2016 से अगर हम लें, इनफैक्ट अगर 2010-2011 से लें तो 14 साल तो हो ही गए, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। तो ये निकलेगा अभी या नहीं निकलेगा समाधान? हाँ सर, जरूर समाधान अभी निकलेगा। अभी हमारी बात सुनने वाली हमारी इंडिया अलायंस की कैंडिडेट वर्षा गायकवाड़ जी यहाँ पे आई है, और वो जैसा हम लोग उनको बुके दिया, उनका सत्कार किया, उसके साथ में हमारा एयरपोर्ट के झोपड़पट्टी पुनर्वसन का जो डिमांड है वो भी उनको दिया, उन्होंने वो पूरा पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं जब तक जैसे शपथ लूंगी, अभी शपथ उनका लेना बाकी है, जैसे शपथ लूंगी वैसा 8 दिन के बाद में हम लोग हर एक विधानसभा में विजिट का प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, तो जैसा ही वो वहां से आएगी हम लोग वहां पे लोगों के सामने उनको बुलाएंगे और हमारे सारे प्रश्न जो है उनको बताएंगे और उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन समस्या सिर्फ एक आने वाली है, पक्ष जो है आपको क्या लगता है बात सुनेगा? सर हमको अच्छी तरह पता है कि सत्ताधारी पक्ष हमारी बात नहीं सुनेगा, विरोधी पक्ष की बात नहीं सुनेगा। हम लोग इसके लिए जन जागरण कर रहे, घर घर में जाकर लोगों को बता रहे क्या आपको घर के बदले घर चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए,
क्या स्थानिक जगह पर आपको पुनर्वसन चाहिए या मुंबई के बाहर जाना है, क्या आपको पात्रा पत्र का धंधा कलेक्टर का चालू रखना है, तो लोग कहते हैं कि नहीं हमको जैसा मेट्रो वालों को घर दिया जाता है, घर के बदले घर दिया जाता है, पात्रा पत्र नहीं किया जाता है, उसी तरीके से हमको भी एयरपोर्ट लैंड के लोगों को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान और ये जगह पर समझाया जाए पाडवंग साहब कि जो मेट्रो अफेक्टेड लोग हैं, मतलब जहां से मेट्रो का प्रोजेक्ट जो मेट्रो लाइन जा रही है वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनका काम फटाफट हो जाता है, मतलब 2 या 3 4 5 साल में हो जाता है, बाकी सबका नहीं होता, ये क्या मतलब है सर, ये जरा बताएं प्लीज। इसका ये प्रॉब्लम है सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में बनी एक पॉलिसी है MUTP बोल के एक पॉलिसी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देख लीजिए, ये MUTP पॉलिसी है। जी जी हाँ, और ये पॉलिसी में ऐसा लिखा है अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जी हाँ, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट सर्वे लास्ट डेट इज कट ऑफ डेट, सर्वे की जो लास्ट डेट है वो कट ऑफ डेट होगा, कोई उसमें अपात्र नहीं होता है। और SRA के जो कानून है उसमें 2000 का कानून लगाकर 24 साल पुराना डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ता है, लाइट बिल है, सर्वे पावती है, वोटिंग कार्ड है, और ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद भी कलेक्टर के जो लोग है, कलेक्टर के लोग इसमें बहुत शातिर दिमाग लोग है, बहुत चालाक लोग है, ये पात्र डॉक्यूमेंट को ही अपात्र कर देते हैं, और जब दलालों के थ्रू उनको पैसा पहुंच जाता है तो फिर उसको वो लोग पात्र कर देते हैं, एनेक्सर 1 बनता है, एनेक्सर 2 बनता है, बाद में सप्लीमेंट्री एनेक्सर बनता है, ये लगातार चलते रहता है, और लोग परेशान होकर दलालों के पास 2-2, 3-3 लाख रुपए देता है। लेकिन उसके ये बात गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझ में आने के बाद उन्होंने 2018 को 2011 तक के लोगों को पात्र करने का डिक्लेरेशन किया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इनका फाइनल पॉलिसी नहीं बना। मुझे अभी भी लोग ऐसे लग के पड़े। But this is unfair, Pradeep ji. You are an advocate yourself. This is absolutely unfair. अगर मेट्रो अफेक्टेड पर्सन जो हैं उन वहां पर कोई पात्र अपात्र नहीं होता, जैसे मान लीजिए कल किसी ने झोपड़ा बनाया हो और वहां पर आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो उसमें पात्र अपात्र नहीं पूछा जाएगा। अगर मेट्रो के लोग जो अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं मेट्रो से, वहां पर पात्र अपात्र नहीं पूछा जा रहा तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए। सर शहर तो एक है, लॉ हैज टू बी द सेम फॉर एवरीवन। एक है रोड टच, एक रोड के इस पार MMRDA के प्रोजेक्ट है, MUTP रोड के इस पार SRA के प्रोजेक्ट है। जी यहाँ पर रोड के इस टच आपको सर्वे के लास्ट डेट है और रोड के इस पार 2011 के है। पांडुक जी बहुत सारे ऐसे केसेस है पूरे एयरपोर्ट लैंड में। मैं आपको बताऊ सर, एक ही CTS नंबर पे, एक ही CTS नंबर 2085 ये CTS नंबर है, और इसके ऊपर पहली पॉलिसी स्टार एलिवेटेड रोड बना, उन्होंने MUIP लगाया, मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसके बाद में SRA आ गया अंबेडकर नगर में, उन्होंने SRA का कानून लगाया। उसके बाद में अभी मेट्रो आया 2022 में, तो उन्होंने MUTP लगाया। एक ही CTS नंबर, बाजू में झोपड़े, एक को लगकर एक झोपड़े, तीन तरीके के पॉलिसी विद इन, बोलते ना कि एक ही 100 मीटर के अंदर तीन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, SRA, MUIP, MUTP। तो ये तीन पॉलिसी इंप्लीमेंट करके लोगों को ये डिवाइड करते हैं, और इसमें अधिकारी लोगों का भी खासा कमाई हो जाता है और दलालों का भी खासी कमाई हो जाती है, और लोग जो है जहां के वहीं रहते हैं। ये तो सारे का मतलब वो है कि दिस इज अ फिट केस फॉर द कोर्ट, दिस इज अ फिट केस फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। कानून एक ही होना चाहिए साहब सबके लिए, ये कोई मतलब नहीं, ये कोई हमारा मतलब नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट ये जो है ये फॉरेन की फंडिंग यहाँ पे लगी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पे लगा है GVK के थ्रू, और वो टाइम में उन्होंने ओमड़ा एग्रीमेंट बनाया था, ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और वहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब MMRDA और MIL ने एक एग्रीमेंट बनाया था सर्वे से लेके रिहैबिलिटेशन करने तक, ये घर को 20,000 रुपया, वैसा 160 करोड़ रुपया MIL ने MMRDA को दिया था सर्वे करने, सर्वे से लेके पुनर्वसन तक का करने के लिए। लेकिन इन लोग ने क्या किया, केवल 15,000 झोपड़ों का एंटायर एयरपोर्ट, केवल 15,000 झोपड़ों का सर्वे किया, और उसमें संदेश नगर, क्रांति नगर, इधर गांव देवी, सांताक्रूज में गांव देवी, विले पार्ले में हमारा अंबेडकर नगर, संभाजी नगर, अंबेडकर नगर,
अंधेरी में बामनवाड़ा, सार में सार एलिवेटेड, सार तलाव पकड़ी दुर्गा नगर, और ऐसे जो झोपड़ों का इन्होंने सर्वे किया, 15,000 झोपड़ों का सर्वे किया। और एक बात देखिए सर, यही देवेंद्र फडणवीस, जब हम लोग ये पृथ्वीराज चौहान के नाम पे आया हुआ लेटर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इनके नाम का आया हुआ लेटर जब हमने मीडिया में और बैनरबाजी किया, तो यही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर उसी वही जो अशोक गजपति राजू, इनका इन्होंने दूसरा लेटर लेके आए, वो दूसरा लेटर भी हमारे पास है। ये देखो देवेंद्र फडणवीस जी ने ये दूसरा लेटर लाया था, ये दूसरा लेटर लाया, बिल्कुल बिल्कुल, ये 2017 में, 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी दूसरा लेटर लेके आए, और इन्होंने बोला कि खाली जो एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए जरूरी है उतना ही स्लम को निकाला जाएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक सिंगल झोपड़ा का भी रिहैबिलिटेशन नहीं किया, लोगों को झूठ बोला, प्लास्टिक चाबी बांटी, लोखंड चाबी बांटी, किसी का भी पुनर्वसन नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, सुंदर पाटमुख जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, और मैं हर बार मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ आपकी डेडिकेशन को देख करके, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी तक, और अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है, इसके लिए आपको साधुवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सर, एंड वी प्रॉमिस आवर व्यूअर्स दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस, वी शैल नॉट लीव दिस स्टोरी मिडवे, वी शैल follow it up to the best of our ability. Now at the moment with us from the Congress party, a very very happy Mr. Bharat Soni. Bharat Soni saab, namaskar. Raji ji namaskar, Pradeep ji namaskar. Namaskar, namaskar, Soni ji namaskar. Jai Siyaram, Har Har Mahadev. Jai Siyaram, Har Har Mahadev. Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai. Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai. Jai Bhavani. Jai Bhavani. To Bharat Soni saab, आपके अभी 99 एमपीज हैं कि 100 हो गए? सर हमारे 101 एमपीज हैं। सर 100 तो हो गए क्योंकि वो सांगली वाले साहब वापस आ गए। ये 1 कहां से आया सर? पुडुचेरी वाला आया था सर, तो 101 हो गए। तो सर वो अभी खबर ये आ रही है, पता नहीं आपको इसके बारे में इल्म है कि नहीं, जरूर होगा, कि अमित शाह साहब की नजर जो है आपके कोई 50 एमपीज पर है, तो संभाल के रखिएगा सर, ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। तो मतलब इस बार आप एलओपी आपको तो मिल गया है, राहुल गांधी साहब पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे पहली बार, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी को पहली बार नेता प्रतिपक्ष, आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 उनके जो टर्म रहे उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बन गए हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट योर पीपल सर, अपने जो 49-50 जो एमपी हैं उनको आप बचा के कैसे रखेंगे सर, प्लीज सर? देखिए राजीव जी, पहले तो मोदी जी की ये डिफीट है, क्योंकि अभी ये मोदी सरकार नहीं है, अभी ये NNDA सरकार है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट सरकार है, तो पहली बात तो वहां उनकी सबसे बड़ी डिफिट है। उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन आज तक वो रिकग्नाइज नहीं करते थे, उसको उनको रिकग्नाइज करना पड़ रहा है, वो उनकी सेकेंड डिफिट है। और सर हमारे जो एमपीज है वो सभी हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एमपीज है, वो ऐसे सब जो प्रलोभन ये देते जाएंगे उससे वो लोग उसमें नहीं जाएंगे, और वो हमारा फ्लॉक जो है वो बिल्कुल हमारे साथ में है और हमारे साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग भी उनके लिए ट्राई नहीं करते, लेकिन सर हम लोग अगर ट्राई करें तो ऐसे 47 एमपीज है जो पूर्व पहले हमारे कांग्रेस के रह चुके और वहां गए, बट वी विल नॉट डू, वी विल अलाउ देम देमसेल्फ टू फॉल, हमें उनको गिराने की कोई जरूरत नहीं सर, हमको पता है कि वो गिरेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मिनिस्ट्री फॉर्मेशन हुआ, शपथ विधि हुई, उसके बाद में इमीडिएटली जो चालू हो गया उसको आप अगर देखेंगे, प्रफुल्ल पटेल जी नाराज है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अजीत दादा नाराज है, एकनाथ शिंदे जी खुद नाराज है, और सर इतनी सारी नाराजगी लेके शुरुआत में लेके ये लोग आगे कैसे चलाएंगे ये हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो हम लोग बड़े खुश है, हम लोग देख रहे हैं आराम से। भरत सोनी साहब देखेंगे, भरत सोनी जी आज तक सिर्फ आप मणिपुर वाले इश्यू उठाते थे, आप कहते थे कि देखो मोदी जी वहां पर देख ही नहीं रहे, आज तो मोहन भागवत जी बोलने लगे,
मणिपुर में एक साल से आग लगी है, आप क्या कर रहे हो? मणिपुर में जस्टिस राजना आपका कर्तव्य है, कर्तव्य के बाद कहा उन्होंने, तो जब कर्तव्य के बाद कह रहे हैं डेफिनेटली मोदी जी पे आलोचना कर रहे थे। आज आरएसएस भी मणिपुर के बात करे जो आप कर रहे थे, तो क्या ये वाद विवाद इतना बिगड़ गया कि बीजेपी के आरएसएस के खुले जंग ओपन में हो गया? भरत सोनी साहब, प्रदीप जी आपने सही कहा। मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं, जो जन सेवक वही है जिसमें अहंकार नहीं है। तो हम लोग जो मोहन भागवत जी बोले हैं वो बहुत अच्छा बोले हैं, और उनको आज 10 साल के बाद बोलना पड़ा उसके ऊपर भी हमें आश्चर्य हो रहा है कि सर आरएसएस को एक एकदम ऑर्गेनाइज और जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं, तो उस कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल चुप रहा, और जो सब चल रहा था पूरे देश में, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम और जिस प्रकार से जो डिवाइसिव जो विभाजनकारी नीतियां चल रही थी उसपे वो शांत थे। सर मुझे उसमें से एक ही किस्सा याद आता है, हमारे मैं बैंक से रहा हूं, तो हमारे बैंकों में यूनियन रहा करती है, वो यूनियन क्या करती है, लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन करती है, तो उसमें जाके हम लोग नीचे जाके मुर्दाबाद बोलते हैं मैनेजमेंट के साथ में, फिर लंच टाइम पूरा होने के बाद आके उसी मैनेजमेंट के साथ बैठ के चाय पीते हैं, तो वो उस प्रकार से है। भागवत जी अभी बोले हैं तो अच्छा है, उनको दे रहा है दुरुस्त है, और मणिपुर पे अभी जो बोले हैं तो कौन देखेगा, कौन वो किससे बोल रहे हैं, वो जरूर मोदी जी से बोल रहे हैं, और उनको भी पता चल गया है कि अभी दिन दूर नहीं है जब मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क रही है, और फिर से वो सर, कल दोबारा हुआ है, कल दोबारा हुआ जी सर, उसी का बोल रहा हूं मैं सर, वो वही बोल रहे हैं कि पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन उस पर कौन ध्यान देगा ये उनकी खुद की बात है। और जम्मू में भी अटैक हुआ सर, रियासी में अटैक हुआ, क्या बिल्कुल, सर बिल्कुल। वो वैष्णो देवी जा रहे थे शिवखोरी गुफा से वैष्णो देवी जा रहे थे सब। सर मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति है, मैं मुझे दुख होता है कि हमारी जब हिंदू को मानने वाली सरकार होते हुए भी अगर हमारे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे होम मिनिस्ट्री का वहां पर वो फेलियर है, ऐसा मुझे लगता है सर। तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था सर कि कांग्रेस ने इस इशू को रेज नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने आज इस विषय को उठाया है, आपने नहीं उठाया अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि क्योंकि राहुल गांधी ओल्ड स्कूल के हैं किस्म के, वो तो मतलब उन्होंने देखा इंदिरा जी को काम करते हुए देखा, राजीव गांधी को काम करते हुए देखा, सोनिया जी को काम करते हुए देखा, तो वो शायद नहीं उठाएंगे। जितन राम मांझी साहब जो है अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, he is now minister for what is it, medium small and micro enterprises, MSME, जो पहले नारायण राव साहब की होती थी मिनिस्टर, जितन राम मांझी साहब का एक बयान है YouTube के ऊपर उपलब्ध है हर जगह पे, और चार बार बोला कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संत तुलसीदास के बारे में उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई जो रामचरितमानस है वो अच्छी किताब है, काल्पनिक किताब है, और जो दो कैरेक्टर हैं उसके, राम और रावण, अलबत्ता दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन उसमें रावण की भूमिका राम से कहीं ज्यादा अच्छी ये जितन राम मांझी साहब ने कहा है, और आज तक उन्होंने ना अपने बयान को वापस लिया है ना उसके लिए माफी मांगी है। आज वो जय श्री राम वाली सरकार जो है, खैर अब तो जय श्री राम नहीं बोल रहे, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं अभी, जय जगन्नाथ जी, तो उसके अंदर वो कैबिनेट में हैं। ये क्या मजबूरी हो गई सर कि श्री राम को भूल गए? अभी तक तो आपके ऊपर हमला होता था कि एक एफिडेविट आपकी सरकार ने दिया था जब वो राम सेतु में जो वो एक स्ट्रेट बन रहा था बीच में से, बिकॉज ऑफ द डीएमके गवर्नमेंट, दैट लॉर्ड राम हैज नो एग्जिस्टेंस, इट्स जस्ट अ फैंसिफुल कैरेक्टर, और उसके बाद वो एफिडेविट वापस ले लिया गया, तो ये क्या है सर जरा बताएं। सर इसके ऊपर हमारे जो फ्लोर लीडर्स है, लोकसभा में फ्लोर लीडर्स है, वो इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, कैसे क्या कहा है, ये मेरे भी दिमाग से पार है। हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन और जो केंद्र से जो हम लोग ताल्लुक रखते हैं वो लोग इसके ऊपर जवाब देंगे कल शायद, और ऐसा हमें जानकारी। कॉन्टेक्स्ट उसमें ये था कि उस वक्त राम मंदिर मूवमेंट जो थी बहुत
जोरों पर चल रही थी 2011-2012 की बात है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कि राम तो कोई था ही नहीं, कौन है राम, ये वाल्मीकि और तुलसीदास ने बनाया हुआ है ये पात्र, जो ऐसा करके बोला उन्होंने, यही साहब जो दिख रहे हैं अभी हम अभी सब अभी मंत्री हैं मोदी जी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अब ये मोदी जी ने जवाब देना चाहिए, क्यों हम सबकी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ अगर कोई कांग्रेस का सांसद कर देता तो आज तो पूरा बवाल खड़ा हो जाए पूरे देश में बवाल। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया हैज नॉट रेज्ड दिस एट ऑल, किसी ने बात नहीं करी इसके बारे में, मतलब अजीब गरीब मसला है सर। चलिए कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया तो सर आजकल अभी पता चल गया है सभी को कि किस प्रकार से कौन से मुद्दे उठाता है और कौन से मुद्दे के पर वो शांत हो जाते हैं, तो ये पूरे देश ने देखा हुआ है। और सर दो तीन दिन पहले जो अवार्ड भी डिक्लेयर हुए उसमें भी अगर आप देखेंगे जिस मीडिया को अवार्ड मिला है वो कौन से क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर भी बड़ी मेम का एक वीडियो निकला हुआ है। तो सर हम लोग तो मानते हैं नेशन नाउ और राजीव जी को मानते हैं, प्रदीप जी को मानते हैं, जिन्होंने हमारी बातें लोगों तक पहुंचाई और जैसे हमने कही वैसे बातें पहुंचाई। और सर आने वाले दिन अच्छे आएंगे हमारे, क्योंकि जब इंडिया की सरकार आएगी तो जरूर हम लोग नेशन नाव को जिस प्रकार से हमको बढ़ावा देना है वैसे हम लोग बढ़ावा तो विधानसभा में जिस प्रकार से पॉलिटिकल पंडित देख रहे बोले कि उद्धव ठाकरे नाना पटोले एंड शरद पवार आर गोइंग टू डू एक्सीडिंगली वेल, यू गो टू स्वीप मोर देन 65% ऑफ द सीट्स ऑफ 288, जिस प्रकार से रफ्तार चालू है सबको दिख रहा है। तो बट नाना पटोले जी जो कहा कि आज उद्धव ठाकरे जी को कॉन्टेक्ट किया है, उद्धव ठाकरे जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी को सिर्फ 9 सीट मिले 21 कॉन्टेस्टेड, आपने 17 लड़ा 13 आप जीता, सबसे हाईएस्ट तीनों में आप ज्यादा लिए, और आने वाले विधानसभा में ऐसे दिख रहे हैं कांग्रेस इज गोइंग टू गेन एंड यू गोइंग टू बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी द वे थिंग्स आर मूविंग ऑन। बट इफ यू ऑल जिस प्रकार से झगड़ा चल रहा है, क्या सल्टाने का कुछ आप लोग ऑलरेडी मूव बना दिया, बिकॉज उद्धव ठाकरे इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नाना पटोले जी कॉल। प्रदीप जी कल शाम को वर्षा गायकवाड़ जी का फेलिसिटेशन था मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, वहां पर हमारे जो बड़े बड़े नेता है, जो लोग ये महाविकास आघाड़ी जो MBA अलायंस है उसको जो लेके चलते हैं, उनमें ऑफ द रिकॉर्ड जो प्राइवेटली बात चल रही थी वो भी ऐसे ही है कि हम लोगों को ऐसे उकसाया जाएगा, हम लोगों को बहकाया जाएगा कि किसी प्रकार से ये अलायंस नहीं रहे, ये अलायंस नहीं टिके, लेकिन हम लोगों को यानी कांग्रेस पार्टी को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को और शरद पवार साहब की जो NCP को, हम तीनों पार्टियों को मालूम है कि हम लोग तीनों एक साथ रहेंगे तो ही हम लोग ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लोगों का जो विश्वास हम पे है वो तीनों जन साथ में आने पर है, वो बिखर जाने पे और अलग अलग लड़ने पे नहीं है, तो हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और सर ये सारी युति की जो बातें हैं, अलायंस की जो बातें हैं, असेंबली इलेक्शंस तो सितंबर अक्टूबर में हैं, तब जब भी नजीक जाके आए उस वो दिन जब भी जैसे नजदीक आएंगे वैसे हम लोग सारे लोग सीट एडजस्टमेंट की भी बातें करेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस प्रकार से उसका फॉर्मूला भी नक्की होगा, लेकिन ये अलायंस टूटने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से, कुछ भी हो जाए ये अलायंस ऐसे का ऐसा रहेगा। और सर इनको पता चल गया है जो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी को कि अगर ये अलायंस जो टीका तो उनका कोई स्थान नहीं है महाराष्ट्र में, हमारी महाविकास आघाड़ी ही सरकार बनाएगी। सर यू नो बट वन थिंग इज देयर, मराठा एजिटेशन एकदम उग्र अंदाज में तेजी पकड़ा, जरांग मनोज जरांगे पाटिल इज अगेन ऑन हंगर स्ट्राइक, और जब भी जरांगे पाटिल स्ट्राइक पे जाता है, हंगर स्ट्राइक पे जाता है, यू गेन यू MBA गेन्स, बिकॉज आप देखोगे जितने भी बड़े दिग्गज हारे हैं वे BJP इज कंसर्न, पंकजा मुंडे हो गए, अलग अलग जो टॉप के लीडर्स जो हार गए, यू नो इट स्टार्ट्स विद पंकजा मुंडे, देन सुधीर मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, द लिस्ट गोज लॉन्ग एंड द लिस्ट ऑल हेवीवेट्स,
जिसमें तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी जी के कैबिनेट में और एक फडणवीस जी के कैबिनेट में मुंगेटीवार, तो दिग्गज लोग हारे हैं एंड दे हारे बिकॉज मराठास नेवर वोटेड फॉर देम। नाउ अगेन जरांगे पाटिल बैठे हैं, तो एक तो एमवीए का वोट शेयर बड़ा है और जरांगे पाटिल तो जीतने नहीं देगा, तो एमवीए तो ऐसे ही निकल रहा है। नाउ इज द एंटायर फ्यूड जो मराठा एजिटेशन, ऐसा लग रहा है कि इट्स मूविंग टूवर्ड्स डांसिंग टू योर ट्यून्स। सोनी साहब, जरांगे पाटिल ऑन स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। सर कैन यू हियर अस? हेलो जी जी जी, आप सुने सर? आपने प्रदीप जी की आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। बोलिए बोलिए। अच्छा, प्रदीप जी तुम्हारा बोलिए। नेटवर्क फुल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यू नो आई वाज टॉकिंग अबाउट द हेवी वेट्स ऑफ बीजेपी पॉपुलेशन वोटेड अगेंस्ट। He's got a wrong agitation is going to be a big, big problem for the BJP. For the BJP and Mr. Eknath Shinde. Mahayuti. They, right. Again, the Marathas are going to be anti-establishment. Though they're not pro-MVA, but they're definitely voting against the government. But then as far as the... And they're the government. but as far as the as far as Mr. Devendra Fadnavis' government is concerned, they've been blaming Mr. Sharad Pawar for the rise of this man, for Mr. But the Marathas are only voting against the current government. They say this government has failed us. Yes, they have. It's not as if they haven't. They have. On that, there is no doubt, because after all, what is the need to have a special session of the assembly when you don't have the powers to grant reservation? And Fadnavis and the Mahayuti has failed to convince them that Sharad Pawar ji has ruled for more than 22 years over here, governed it. And he has never worked for you. You always worked against your interest. But that is because they failed to, impress upon Manoj Jarange Patil. So they are only current establishment ke khilaaf hai. Jo bhi current establishment hai, uske khilaaf vote karenge. So, Sony sahab, you can hear us now. Jarange Patil ji, I got the question for repeating. All right. बोलिए प्रदीप जी। देखिए प्रदीप जी, देखिए मराठा कम्युनिटी को पुराना उनको गुमराह किया गया कि उनको पहले बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग 3 महीने के अंदर सत्ता पे आए। देवेंद्र फडणवीस जैसे महाराष्ट्र के इतने बड़े सीनियर नेता ने ये बातें कही कि ये हमें आने दीजिए सत्ता पे, 3 महीने के अंदर हम लोग मराठा रिजर्वेशन का जो काम है वो पूरा करेंगे। सर उसको आके 1 साल हो गया, तो इस प्रकार से आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे तो जो एक गुस्सा है अंदर, आक्रोश है मराठाओं के अंदर, वो आक्रोश उमर पड़ा है। और सर इतने सारे जो नेता, इनके दिग्गज नेता जो हारे हैं, उनका कारण ये भी एक है कि मराठा लोग उनसे नाराज थे। और सर फिर से अगर जो जरंगे पाटिल जी जो फिर से उपवास पे उतर रहे और फिर से ऐसा जो आंदोलन का मार्ग अपना रहे हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द, क्योंकि रूलिंग पार्टी अब दोनों जगह पे भी, सेंटर में भी रूलिंग मोदी जी है और स्टेट में भी उनकी सरकार है, तो उन्होंने ये जो प्रश्न है इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, नहीं तो मराठा जो लोग अभी है फिर से आंदोलन के राह पे आएंगे, फिर से चक्का जाम होगा, फिर से सब डेमोन्स्ट्रेशन हो गए। तो इसके लिए जिम्मेवार जो लोग है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग है, देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दे के इसका जो भी करना है, जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाए वो उन्होंने सोचना है सर। सॉरी सर, मेरा द थिंग इज दैट आपका जो स्कीम्स था, द 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस एंड 25 गारंटीज, दैट वाज अ सक्सेस अमंग द एंटायर रेज द रेज, एक होप, एक विजन, बोला ये हो रहा है, नाउ वी कैन ब्रीथ फ्री, नाउ थिंग्स आर ओपन, वी कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बट आफ्टर यू नॉट गॉट मेजोरिटी, पीपल आर शॉक, तो तरह तरह के वीडियोस घूम रहे कि आपने गारंटी लिए थे, फॉर्म भरवा के लिए थे कि मुझे 8,500 रुपया मिलेगा हर महिला से, आपने फॉर्म भर के, तो अगेन बीजेपी इज अक्यूजिंग यू ऑफ मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, फॉल्स एंड टेकिंग कमिटमेंट फ्रॉम द पीपल दैट वी आर गोइंग टू गिव इट यू, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट इन कर्नाटका एंड दिस, तो हाउ डू यू सी दैट? ये जो चल रहा है इज नॉट अ गुड पब्लिसिटी फॉर यू। प्रदीप जी देखिए, हमने जहां जहां भी जो वादे किए
हम लोगों ने जहां भी वादे किए वो आधे पूरे किए। कर्नाटका में आप देखेंगे पेंशन स्कीम के बारे में कहा या दूसरी जो वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में पूरा किया। अब ये जो सारे वादे हमने किए थे, हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी, 8,500 रुपया या 1,00,000 रुपया जो महिला को देने वाले थे, गरीब महिला को देने वाले थे, और अप्रेंटिस के तहत हम लोग 1,00,000 रुपया देने, ये सारे बातें हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बातें थी कि हम लोग सत्ता में आएंगे तब ये दे पाएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे तो हम लोग कहां से देंगे वो। तो इसमें हमने कोई गुमराह नहीं किया, कोई हम लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है वो लोग हमारे ऑफिस पे इनको भेजने लग गए। सर हम लोगों ने ऐसे कभी नहीं कहा कि जाओ वो 15-15 लाख रुपया मिल रहा है वो जाके ले लीजिएगा, या आपके बैंक के अकाउंट में आया कि नहीं, काला धन आया कि नहीं। 10 साल लोगों को बेवकूफ बनाया। हम तो अभी तक सत्ता पे आए नहीं है। और मैं ये क्या हो गया, ये तो सबको मालूम ही था ना सर कि जब आप सत्ता में आएंगे, आपकी सरकार जब आएगी तब जाकर के ये सब चीजें लोगों को मिलेगी। तो फिर ये क्या हो गया कि लोगों को वहां भेजा जा रहा है आपके ऑफिस में, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कार्ड लेकर के, अरे भाई हमारे 1,000 रुपए दो, हमारे 8,000 रुपए दो, ये क्या मतलब है? मेरी समझ के बाहर है सर, जरा बताए। इनके पीछे हमारे कार्यकर्ता जो उस ऑफिस के बाहर है वो लोग तो उसके पीछे छानबीन कर रहे हैं कि ये कौन भेज रहा है, किसके आदमी लोग आ रहे हैं, ये सारी बातें आएगी एक हफ्ते भर के अंदर। तो वो पता है हमें सर कि इस प्रकार से ये, क्योंकि सर दूसरा कोई इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है आजकल, क्योंकि इन्होंने जो वादे, इनका मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे, मोदी जी की गारंटी तो मोदी जी की रही नहीं अभी गारंटी, क्योंकि अभी तो सरकार ही उनकी नहीं है, अभी तो NNDA की सरकार है, तो अभी वो गारंटी नहीं रही। अभी आज मोदी जी की सरकार भी नहीं है। तो सर उन लोगों ने जो वादे किए 2047 के वादे किए, 10 साल के बाद 5 साल के अंदर तो कुछ देंगे ऐसा वादा किया ही नहीं है। 20 साल के बाद सर, 23 साल के बाद, 23 साल के बाद उनका सारा वादा है। तो अभी उनके पास दूसरा काम क्या है? किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाए, किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल आने वाले 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में उनकी सरकार जरूर गिरेगी और गिरने वाली है। यहाँ पर सर एक चीज है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आज फॉर एग्जांपल एक मराठी चैनल के ऊपर भी हम लोग देख रहे थे, TV9 के ऊपर इनफैक्ट, कि किस प्रकार हर असेंबली सेगमेंट में आप लोग जीत रहे हैं। तो लिहाजा जैसे BJP की 105 सीटें हैं, उनको 43 के 40 सीटों का नुकसान होने वाला है, बाकी सब लोगों को कितना नुकसान होने वाला, बिकॉज यू वन दोज असेंबली सेगमेंट्स ऑल्सो। तो मतलब आपके जो, जैसे अभी अभी जयंत पाटिल साहब ने कहा कि MVA के 180 से 200 सीटें आएंगी व्हेनेवर द इलेक्शंस टेक प्लेस, बट परहैप्स डोंट यू थिंक दैट द कैलकुलेशन बिटवीन द असेंबली इलेक्शंस एंड द लोकसभा इलेक्शंस वुड बी समवॉट डिफरेंट? यस। तो वो किसके हक में जाएगी सर, वो जरा बताएं। सर देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, और विधानसभा का उस स्टेट लेवल के मुद्दे पे। तो उसके लिए दोनों के लिए फॉर्मूला भी अलग रहेंगे, दोनों के लिए प्लानिंग भी अलग रहेगा, दोनों के लिए सीट शेयरिंग भी अलग रहेगा। तो सर वही सारी बातें जयंत पाटिल जी ने जो कहा है वो लोकसभा का जो अभी चुनाव का रिजल्ट आया उसके तहत उन्होंने वो बातें बताई। तो वो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, because Jayant Patil being one of the very senior leader of the NCP and he's a very seasoned politician, when he speaks something means there should be something in offing. Lekin hum ye UTI ko toot, alliance ko tootne nahi denge sir. Aur ye hum log jo abhi jo kar rahe ho assessment kar rahe hain ki hum log kahan par kam, hame kahan par kam vote mila hai. Hamara ek candidate hai wo sirf 48 vote se hara hai aur wahan par kitne recounts hue वो भी हमें पता है, और कौन सी असेंबली सेगमेंट्स में सामने वाले कैंडिडेट के असेंबली सेगमेंट में भी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिला है। सर वो तो पोस्टल वोट की वजह से हुआ है, वो आई थिंक इस मोर इज द सेम थिंग विद झारखंड एंड चंडीगढ़, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, कि वो पोस्टल वोट जो है, तकरीबन 150 पोस्टल वोट जो अमोल कीर्तिकर को जो मिले थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, वेरी फ्रेंकली। मतलब वो तो आई होप यू आर एबल टू गो टू कोर्ट ऑन दैट, आई होप। लेकिन सर देखिए वो असेंबली की बात जो है वो असेंबली में हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है,
और हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर्स है, शिवसेना के कार्यकर्ता, सर पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि उस पार्टी के कैंडिडेट के लिए हमने काम नहीं किया या तो इसकी वजह से, इसकी वजह से अब ये सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, कैसे उद्धव ठाकरे जी फोन नहीं उठा रहे और क्यों नाराज बैठे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने उनके कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं किया, ये अब बातें आएंगी। लेकिन चलते चलते सर एक और चीज़ है, छोटी सी बात है, आई डोंट नो व्हेदर यू वुड लाइक टू आंसर दिस और नॉट, मिस्टर प्रशांत किशोर हु हैड प्रेडिक्टेड दैट मिस्टर मोदी वुड कम बैक विद इवन मोर सीट्स देन ही डिड इन 2019, इफ नॉट इक्वल टू द सेम ही विल कम बैक विद मोर सीट्स, ही एक्चुअली सेड दैट द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट फील टू इलेटेड by the results. I think he himself, I think he is trying to convince himself in whatever way. And he also says that the Muslim vote may not work so well in the assembly elections because the Muslim vote will be focused or concentrated only in a few constituencies. In the rest of the constituencies, other forces will apply. Now, I don't know what he means by that. It's not just the Muslims who have voted for you. Everybody has voted for you. The OBCs have voted for you. Scheduled castes have voted for you. STs have voted for you. In fact, जो आपका पुराना formula होता था, Brahman, SC, ST और Muslim. Plus, sir, plus Uddhav Thackeray's votes and yes. Sharad Pawar's vote and Maratha and Maratha votes. Yes, yes. तो sir ये do you think that holds any logic? Is there a logic to that? Rajiv ji क्या है कि प्रशांत किशोर जी वो जिस प्रकार से उन्होंने प्रेडिक्शंस किया था और जिस प्रकार से बोलते थे वो सही नहीं हुआ है ना, उनको अभी आपने सही कहा कि उनको खुद को मनाने के लिए उनको ये सब बोलना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन वो मुस्लिम वोट्स के बारे में कौन से स्टेट को ध्यान में रख के बोल रहे हैं ये मुझे पता नहीं है कि वो यूपी को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में ध्यान रख के बोल रहे हैं, कहाँ के मुस्लिम वोट्स नहीं हुए। सर आज मुस्लिम्स जो है उनको देखिए सर, एक जमाने में शिवसेना मुस्लिम्स शिवसेना को कभी वोट नहीं देते थे। अगर आप साउथ बॉम्बे की सीट देखें तो वहां पर शिवसेना लोगों ने मुस्लिम लोगों ने शिवसेना पे भरोसा करके उन्होंने एनमास वोटिंग की है, उसके कारण अरविंद सावंत जी थर्ड टाइम मिस हैट्रिक लगा के तीसरे बार जीते हैं जी। अगर आप वहां के जो असेंबली सेगमेंट का वोटिंग देखें तो उसमें देखिए अमीन पटेल जी का एरिया और बाकी के जो दो एरिया है वहां से बिल्कुल इनको जीता गया। तो सर ये मुस्लिम लोगों को आज वो सेफ समझते हैं उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। सर कोलाबा में भी जीते हैं, सर कोलाबा में भी जीते एवरीवेयर, इसलिए इसलिए अभी वो लोग क्या बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया क्या? उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व वैसे ही रहेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व वो बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, किसने बोला नहीं करते? वो भी तो सभी लोग करते हैं सर, कौन नहीं करता? लेकिन हम लोग उसका मार्केटिंग नहीं करते सर, हम लोग उसका मार्केटिंग नहीं करते। राम मंदिर गए, लेकिन अब आपको जाना चाहिए, राम मंदिर जाना चाहिए। अब मेरा सजेशन है सर आपको, मेरी सलाह है आपको, ये तो बहुत पहले मैंने दी थी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और बाकी सब लोगों को अब रामलला के दर्शन करने चाहिए जाके। बिल्कुल जाएंगे सर, सभी लोग जाएंगे सर, प्लीज जाइए, खुद भी जाऊंगा और हमको भी साथ लेके जाइए सर। And Sonia Gandhi, the way she has praised Mallikarjun Kharge, said BJP wanted to destroy the Congress, BJP wanted to cripple the Congress financially, but it is only a joint leadership headed by Kharge that has saved the Congress and saved the entire India alliance to a reasonable, respectable, you know, figure of 230. I mean, she appreciated Kharge's efforts. 234. Sorry, sir. Radhir ji, if you recall. I had said on this channel कि देखिए ये हम लोग जिस प्रकार से सोनिया जी जो बोल रही है और जिस प्रकार से हम लोग लोगों के सामने जा रहे हैं उस प्रकार से हम लोगों को कभी भी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इन्होंने जो भी हथकंडे अपनाने थे जैसे अकाउंट फ्रीज करना, प्रचार में दिक्कतें लाना, झूठ बोलना, एक अलग नैरेटिव सेट करना है, कहां गया इनका परिवारवाद का? आज परिवारवाद में कितने
20 मंत्री लोग एक ही परिवार से, वो परिवार नहीं लगता है क्या सर? मैं 20 के 20 नाम गिना दूं। वो उनका परिवार है सर, आपका नहीं है, छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के डॉक्टर शिंदे रिफ्यूज टू टेक अ मिनिस्टरशिप, दैट इज व्हाट दे से। सर वो छोड़िए ना, क्या बात करते हैं, वो तो इशू खत्म है सर, वो छोड़िए, उसकी क्या बात है। बट चलते चलते आपको सिर्फ एक सलाह है जो पहले मैंने दी थी, आपके जो 100 एमपी हैं उसमें से 50 को बचा के रखिए। सर अमित शाह जी की नजर है उन पे, बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 50 जो है उधर जाके बैठे हों दूसरी तरफ, फिर क्या होगा। यही कोशिश करेंगे सर, उनका काम यही होता है कि ईडी सीबीआई और ये सब। सर ईडी का तो डर नहीं रहा, ईडी का तो अब डर नहीं रहा, जितना डराना था जितने लोगों को डराना था वो चले गए, अब जो आपके साथ हैं वो जेल जाने को भी तैयार हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप 50 नहीं, आप 230 हो, पूरे पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। सर चार क्यों कम कर रहे हो? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आई नो यू हैव टू गो, वी वोंट कीप यू फॉर टू लॉन्ग, थैंक यू वेरी मच सर एंड कांग्रेचुलेशंस। सर अयोध्या जरूर जाइएगा प्लीज, रामलला के दर्शन जरूर करिए और वहां थैंक यू बोल के आइएगा प्लीज। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। वेरी वेरी हैप्पी कांग्रेस, वेरी वेरी हैप्पी कांग्रेस। मैंने पहली बार देखा साहब जिसकी 100 सीटें आई हूँ वो इतना उछल रहा है, और जो जिसकी 240 आई हूँ वो बेचारा दुखी है, मतलब ये क्या है। प्रदीप गावड़े साहब से पूछते हैं, प्रदीप गावड़े साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो सर जय श्री राम सर, पहली बार देखा मैंने कि 240 looks like a defeat and 100 is projected like a victory. What is going on sir? गौड़े साहब जरा आप ही समझाएं प्लीज। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, अभी आप देख रहे होंगे जब से ये रिजल्ट आया है एनडीए को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है जी, और कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट्स मिली है, और ये 101 बोल रहे हैं, वो 101 बोल रहे हैं, कुछ हाँ कुछ और लोगों ने उनको कुछ समर्थन किया होगा जी, लेकिन 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया है। हमारा जो पूरा वोट परसेंट है, पिछली बार भी 37% था, इस बार भी 37% है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे वोट परसेंट में कुछ गिरावट आई है। हाँ, कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो नेशनल ट्रेंड जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। कुछ राज्यों में हमारा आकलन में शायद कुछ कमी रह गई, कुछ राज्यों में हमारी जो अपेक्षाएं थी उससे कम सीटें हमको मिली है, लेकिन ये जो हमारा अपेक्षाएं थी, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको इतना मिलना चाहिए था, उतना हमको नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया है, जनता 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी मोदी सरकार के साथ ही रही है, क्योंकि उसका कारण यह है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जनता को मिला है, और वो वोटिंग से आपको पता चल गया है। तो ये 63 सीट जो कम हुई, ये क्यों कम हुई सर, ये बताइए। नहीं, कुछ राज्यों में अभी उसके बारे में अभी डिटेल कुछ विश्लेषण करना या फिर एनालिसिस करना संभव नहीं होगा, लेकिन जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कम हुई है ना सर। जी जी जी, मैं बताता हूँ आपको, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा और बंगाल होगा, यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, उतनी सीटें हमको नहीं मिली है। और पर्टिकुलरली अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जैसे देवेंद्र जी ने अभी 2-3 दिन पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा जी, कि एक बहुत ज्यादा भ्रम फैलाने का काम यहाँ पे महाराष्ट्र में और देश भर में किया गया, कुछ मीडिया हाउसेस को साथ में लेकर एक एंटी बीजेपी नैरेटिव पिछले बहुत सालों से चलाया जा रहा था, मतलब जब से जो हमारी ये एकनाथ शिंदे जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की और अजित दादा की गवर्नमेंट आई है, और उससे पहले भी एकनाथ शिंदे जी की और हमारी गवर्नमेंट थी, तब से कुछ मीडिया हाउसेस को साथ में लेकर एक एंटी बीजेपी नैरेटिव को सेट किया गया था, उसको काउंटर करने में हम कहीं पे कम रह गए ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, मुझे ऐसा लगता है उस बात का भी खंडन करने में हमसे कहीं उसमें तो आपकी गलती है ना सर, गलती उसमें आपकी। हाँ, मानता हूँ जी जी, मैं हमारे मैं स्वीकार रहा सर, भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपी बोल रहे हैं बेवकूफों की तरह, मतलब क्या है उनको, क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की हमें 400 चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना, क्या जरूरत पड़ी थी? आनंद हेगड़े साहब को बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? और दो और लोग थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, मतलब
जबान पे कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए ना सर, क्या है मतलब ये? जी गौड़े साहब, बिल्कुल सही बातें है, बिल्कुल सही बातें है, और उन्होंने जो बातें कही उसके ऊपर उनको नोटिस भी पार्टी ने दिया है और उस बात का पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया है। देखिए आजाद भारत की जो हिस्ट्री रही है उसमें हम सब ने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किस तरीके का बर्ताव कांग्रेस ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा वायलेट करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो कांग्रेस ने किया है। Agreed. उनकी हिस्ट्री रही है ये, मतलब आप ये देखिए जब 1980 में इंदिरा गांधी पोस्ट इमरजेंसी चुन के आई थी तो उस वक्त जितनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन सभी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। आठ गवर्नमेंट्स, एट गवर्नमेंट्स को अंडर 356। यस यस, और ये बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद जो नॉन जो सभी बीजेपी गवर्नमेंट थी उन सबको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से कांग्रेस ने वायलेट किया है ये मतलब उसकी पूरी एक हिस्ट्री रही है। गावड़े साहब, बट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आज है कि आज जो जिस प्रकार से पूरे देश में ये बात चल रहा है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने आज तक सिर्फ कांग्रेस मणिपुर के बारे में बात करते थे, आज मोहन भागवत जी आरएसएस बात करने लगे कि मणिपुर हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली, नीड टू बोले कि हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य के बाद कहा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ मणिपुर, और फिर आगे आलोचना एरोगेंस के बारे में बात किया, एरोगेंस और जिस प्रकार से नीचा लेवल स्तर के लेवल पर जो पॉलिटिक्स हुआ इलेक्शन के वक्त, तो आरएसएस एक क्रिटिक बन गया है, एक क्रिटिक बन गया है, मगर इसको आप कैसे लेते हो वो देखना बहुत जरूरी है। इज द बीजेपी गोइंग टू एक्सेप्ट इट और इज द बीजेपी गोइंग टू समन्वय साथ में बैठ के आप फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे? आलोचना तो हुआ है गावड़े साहब। नहीं, दो बातें आपने कही, मतलब पहली बात आपने मणिपुर के बारे में और दूसरी बात कुछ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में कही, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। देखिए 2014 से पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की क्या परिस्थिति थी हम ये जानते थे, हर राज्य में इंसर्जेंसी थी, हर राज्य में हर दूसरे दिन वॉयलेंस की घटनाएं होती थी, उसमें बहुत ज्यादा कमी हमारी गवर्नमेंट केंद्र में आने के बाद बनी है। और दूसरी बात, जो मणिपुर का भी जो वॉयलेंस हुआ उसकी शुरुआत एक हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ हुई थी, एक हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद शुरू हुई थी, तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसको हम सुधारेंगे। और जहां तक सर नहीं सुधार पाएंगे आप कहीं कि सर नहीं सुधार जहां तक आपने अभी कुछ बातें कही सर, मणिपुर में आप नहीं सुधार पाएंगे। Let's be very clear. That's a different. I know that is a different discussion, sir. आप कुछ और बोलने वाले थे प्रदीप जी का जो second सवाल था उसके बारे में, please बोलिए। हाँ, जहाँ तक introspection के बारे में बात है, जी देखिए हमारा ये clear है, हमारी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस देश की आम जनता की पार्टी है। ये पार्टी किसी परिवार के लिए नहीं चलती, ये पार्टी या फिर इस पार्टी की सरकार किसी परिवार के लिए नहीं चलती। जरूर हमारे मतलब कुछ माउथ पीस में कुछ कहा गया होगा, पांचजन्य में कुछ कहा गया, फिर और किसी इसमें कुछ कहा गया होगा, हम जरूर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हमको आगे जाके हमारा जो इलेक्शन परफॉर्मेंस है उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी करनी है, तो हम जरूर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जो भी चीजें वैलिड होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तो गावड़े साहब, अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो उसमें अगर कुछ स्वीकारने में कुछ गलत बात नहीं है, दुरुस्त बात है। और गावड़े साहब यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा। नंबर एक, आदरणीय सम्माननीय जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष थे पार्टी के, अभी तक तो अभी भी है केयरटेकर प्रेसिडेंट, तो अभी भी है क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हुई नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं बल्कि, उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की वी डोंट नीड दी आरएसएस एनीमोर, कि आरएसएस की अभी हमें आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पुरुषोत्तम रूपाला साहब, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी ये बोलने की कि जो ठाकुर राजपूत समाज है वो अपनी बेटियों को मुगलों को दे देता था? सर मतलब कुछ तो अकल होनी चाहिए ना लोगों में, मुझे ऐसा लगता है। गावड़े साहब, आई स्पीक टू यू एज अ सिंपथाइजर बाय द वे, आई स्पीक टू यू एज अ बीजेपी सिंपथाइजर, प्लीज, एंड आई से इट ओपनली, वेरी ओपनली। जी बोलिए। नहीं जी, जरूर, मतलब जहां तक जेपी नड्डा जी के उस स्टेटमेंट की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेटमेंट उन्होंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था। उसका अर्थ ये था कि आरएसएस जो गवर्नमेंट है उसमें उनका कुछ इंटरफेयर नहीं रहता, या फिर पार्टी के जो डे टू डे डिसीजन होता है या फिर वर्किंग होता है उसमें आरएसएस का कुछ दखल नहीं होता। उस मामले में हमारी पार्टी अपने आप में सभी
फैसले लेती है और अपनी पार्टी अपने हिसाब से चलती है। मुझे लगता है ये वो कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन उसको अगर कुछ अलग तरीके से कुछ कहीं जगह पे प्रेजेंट किया गया होगा तो उसको देखना पड़ेगा। जहां तक पुरुषोत्तम रूपाला जी के स्टेटमेंट का स्टेटमेंट की बात है, उससे पार्टी ने पहले भी किनारा किया है, हम आज भी करते हैं, वो गलत स्टेटमेंट था और पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। सर उस स्टेटमेंट की वजह से बहुत लॉस हुआ है सर, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, पूरा ठाकुर राजपूत समाज जो है वो बिल्कुल खिलाफ हो गया है, बड़ा बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ेगा, वेरी फ्रेंकली बहुत 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 मुश्किल काम हो गया सर अमित शाह जी के लिए, वेरी फ्रेंकली। अच्छा एक और सवाल सर आपसे, आपसे ये जानना चाहता हूँ, जीतनराम मांझी साहब जो हैं बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो आज की तारीख में एमएसएमई मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर, वो सर उन्होंने कुछ साल पहले एक बार नहीं छः बार कहा है, वो छः सारी की सारी, छः नहीं है टोटल 16 वीडियोज हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि राम जो है वो एक काल्पनिक व्यक्ति है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, हम राम को नहीं मानते। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही दोनों किरदार राम और रावण काल्पनिक हैं, लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रावण राम से कहीं ज्यादा अच्छा है, ऐसा जीतनराम मांझी ने कहा है। सर ये तो श्री राम की पार्टी है, आपने ऐसे आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, गावड़े साहब नहीं देखिए इनके ऐसे स्टेटमेंट का हमारी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और ये हमारी एनडीए की सरकार है, उनके जो पुराने स्टेटमेंट है जब वो हमारे साथ आए तो उसका ये सिंपल अर्थ होता है कि उनकी पुरानी जो भूमिका थी वो गलत थी, और जब वो आज हमारे साथ है तो उस भूमिका के साथ उनका कुछ संबंध नहीं है। जब आप एक पॉलिटिकल अलायंस करते हो या फिर किसी पार्टी के साथ आते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी है या फिर पुरानी जो आपकी बातें हैं वो गलत है। अभी इस तरीके को कॉन्ट्राडिक्शंस आपको आज के सभी अलायंसेस में देखने को मिलेगा, लेकिन उनके उस स्टेटमेंट से हम कभी उस वक्त भी सहमत नहीं थे, आज भी सहमत नहीं। गावड़े साहब दिग्गज हार गए महाराष्ट्र में, बड़े बड़े दिग्गज पंकजा मुंडे, सुधीर मुंगठीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, तीन कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे हार पहले मींस पिछले 14 से देखने को नहीं मिला। डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देवेंद्र फडणवीस? भले फडणवीस जी ऑफर भी किए रेसिग्नेशन के लिए, बिकॉज कहां 23 से 9 तक आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हार है, बिकॉज ये आगे जाके विधानसभा भी इफेक्ट होने वाला है। तो what इज हैपनिंग नाउ? दिग्गज हारे हैं, मराठा एजिटेशन चालू है इसके पीछे पीछे, जरांगे पाटिल भी बैठ गए, फिर यही तकलीफ होने वाला है। हाउ डू यू सी इट गावड़े जी? नहीं देखिए जरूर आपकी बात सही है कि हमारे बड़े लीडर्स इस चुनाव में विजय नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा कि 2-3 सालों से महाराष्ट्र में एंटी बीजेपी नैरेटिव को सेट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में दो पार्टियां अपनी करतूतों के और वजह से टूटी, अपने अपने पुत्र या फिर पुत्री मोह के वजह से टूटी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद उसका भी ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नैरेटिव के मामले में फोड़ने में शायद कुछ सफलता विरोधी पार्टियों को मिली है। दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों पार्टियां फूटी है उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कास्ट डिवाइड करने का प्रयास किया है, और अगर आप रिजल्ट देखेंगे या फिर कुछ जगह कुछ पॉकेट्स के रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है शायद कुछ हद तक वो इसमें सफल रहे हैं। इस तरीके का कास्ट डिवाइड करके खुद के उम्मीदवारों को चुन के लाना ये हमारी आइडियोलॉजी में नहीं है। हमको इस तरीके के अगर राजनीति करनी पड़ेगी तो हम बेहतर है कि हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। हमको इस तरीके की राजनीति करने के बाद अगर विजय मिलती है तो हमको वो नहीं चाहिए। हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जो महाराष्ट्र का जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये राजनीति आप दोनों यहाँ पे रहते हैं आपने देखा होगा कि किस तरीके का ये पोलराइजेशन कास्ट के बीच में किया गया है, किस तरीके से कुछ जगहों पे लोगों को शपथ दी गई कि आप पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे और पर्टिकुलर पार्टी को नहीं करेंगे। मराठा रिजर्वेशन का भी जो इश्यू है उसको हमने रिजोल्व किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सामने कर उस इश्यू को फिर से भड़काया जा रहा है। ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में दुर्भाग्य इससे चल रही है। हम ये राजनीति नहीं करते, हम पॉजिटिव राजनीति करेंगे। इसके बाद विधानसभा को पॉजिटिव में पेश करेंगे। वही फॉर्मूला दोबारा अपनाया जा रहा है सर, वही फॉर्मूला दोबारा अपनाया जा रहा है ना। आप देखें
लोकसभा चुनाव के पहले वही जरंगे पाटिल साहब आगे आए, मराठा आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया, इसके बावजूद के स्पेशल सेशन बुलाया गया असेंबली का सिर्फ इसी के लिए और उसमें पास भी किया गया, और उसके बाद अब क्या है कि इट विल गो टू द सेंटर, पार्लियामेंट विल पास इट, और इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द टू थिंग्स विल टेक प्लेस, वॉट एवर विल हैपन, लेकिन वही चीज अब दोबारा शुरू हो गई है एंड सबको दिख रहा है, आपको तो दिख ही रहा होगा सर, अगर हमें दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये तैयारी है अक्टूबर के असेंबली इलेक्शंस के लिए। अब इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे गावड़े साहब? नहीं, जरूर आपने जो बात कही वो दुरुस्त बात कही है, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और उसके बाद ये फिर से अनशन के लिए बैठे हैं अभी कल परसों से। देखिए आप एक मतलब क्लियरली एक बात देखिए, जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास किया था उसमें सभी पार्टी के लोग थे और सभी ने ये एक मुख से कहा था कि मराठा समाज को सेपरेट आरक्षण दिया जाए, विदाउट ओबीसी के आरक्षण को धक्का लगाए। ये ऑल पार्टी की महाराष्ट्र में भूमिका है, ये सभी की भूमिका है, ना ही शरद पवार, ना ही उद्धव ठाकरे, ना ही कांग्रेस का कोई ये कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ओबीसी से रिजर्वेशन देंगे। ऐसा होने के बावजूद सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, सिर्फ एक पार्टी के कैंडिडेट को हराओ इस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल अभी भूमिका लेनी शुरू की है, ऐसी बात ये जो आंदोलन के समर्थक थे वो भी अब कहना शुरू किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद लोगों के सामने सच्चाई आएगी। जो मराठा रिजर्वेशन हमने दिया है अभी उसको हाई कोर्ट से भी कुछ स्टे नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ स्टे नहीं मिला है, उसके बेनिफिट धीरे धीरे लोगों को मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों में एक विश्वास निर्माण होगा कि ये जो आरक्षण देवेंद्र फडणवीस जी की, एकनाथ शिंदे जी की और अजीत दादा की सरकार ने दिया है वो आरक्षण वैलिड आरक्षण होगा और उससे बेनिफिट मिलेगा, ये लोगों में विश्वास आगे आने वाले समय में पैदा होगा। जो अभी भी इन्होंने बोला गावड़े साहब, अब उसमें क्या है कि पूरा टीकरा जो है हमारे मित्र, हम मेरे बड़े अच्छे मित्र, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए बाद में आकर के भाई राजीव बजाज ने सवाल क्यों पूछा है। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा टीकरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के सर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, बार बार उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या है सर बताएं आप प्लीज। नहीं जी, आपने दुरुस्त बात कही है, ये मतलब देवेंद्र फडणवीस एज अ पर्सन और बीजेपी एज अ पार्टी जी उसको कॉर्नर करने का प्रयास है, क्योंकि आप देखिए 2014 के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी का जो ग्राउंड है वो बड़ा है, बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है, बीजेपी का जो लैंडस्केप है वो बहुत बड़ा हुआ है। 2014 में हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 123 सीट जीते, 2019 में भी हमने 106-107 सीटें जीती और अभी भी मतलब कल का जो रिजल्ट आया आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 26% है, कोई और पार्टी 20 के पार भी नहीं है, तो हम आज भी बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और हम आज भी बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र के जो लोग है उनकी ज्यादातर पसंद भारतीय जनता पार्टी है, और ये विरोधी पार्टियां जो है वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ना सिर्फ एक पॉलिटिकल कोएलिशन, कुछ एक सोशल डिस्टर्बेंस करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कुछ झूठा नैरेटिव फैला कि भारतीय जनता पार्टी चलो मराठा विरोधी है, या फिर आपने जो संविधान की बात कही संविधान की बात करके भारतीय जनता पार्टी एंटी बैकवर्ड है, ऐसी सभी बातें की जा रही है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है वो ये बातें समझेगी। आपका कहना है फडणवीस जी का कहना है 1% कम है फ्रॉम द लास्ट इलेक्शन, बट यू लॉस्ट 14 सीट्स, 14 सीट आप हारे, दिग्गज लोग हारे, नाउ यू गॉट टू डू इंट्रोस्पेक्शन। बट पवार शरद पवार जी का कहना है कि फार्मर्स इज वन बिग इशू, आपने अनियन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स, दूध कॉटन इन फार्मर्स का आपने ख्याल रखा नहीं, उनके समस्याओं का हल नहीं किया, और दूसरा द लेवल ऑफ जो आपके उच्चारण थे शरद पवार जी थे और अलग अलग उदाहरण पवार साहब ने दिया कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड दैट आलोचना करने वाला किए गावड़े साहब। नहीं, दो बातें हैं इसमें, मतलब जहां पे हमारी शरद पवार ने कई बार है आप देने के बाद भी की है तो मुझे नहीं लगता उनको लैंग्वेज के बारे में बोलने का कुछ अधिकार है, शिवसेना के बारे में वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, क्या है जो जीतता है इलेक्शन में उसकी हर बात को सही माना जाता है, जो हारता है उसकी हर बात को गलत माना जाता है,
फिर भी हम हारे नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, हम कुछ कम सीटें मिली है, तो चलिए आज शरद पवार जी को कहने दीजिए, उनको जो कुछ कहना होगा। अजीत पवार जी, अजीत पवार जी भी बोलने की बोलने की जरूरत क्या था कि संविधान खतरे में है, संविधान चेंज करने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पाए, दलित अल्पसंख्यक डर गए, अजीत पवार जी का कहना है। एकनाथ शिंदे जी ने वही कहा कि अब 400 पार बोलने की जरूरत क्या था, लोगों को लगा कि दलित और यू नो वही करें, दलित और अल्पसंख्यक डर गए कि उनके पूरे हर चीज खतरे में आ गए, तो यू नो नाउ एलाइज भी आलोचना करने लगा, एक संविधान खतरे में है और दूसरा ये कि 400 पार की क्या जरूरत था ना, इवन यू एलाइज टॉकिंग अबाउट इट। गावड़े साहब, नहीं देखिए क्या होता है, क्या होता है, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ लोगों ने वैसी वो बद्दी बात कही, उसका पार्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करने वाली पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स बोलते हैं वो नहीं बोलना चाहिए था, ये पहली बात। लेकिन ये सिर्फ हमारे लोगों ने कुछ बोला है क्या, कांग्रेस के फ्रिंज एलिमेंट छोड़िए, कांग्रेस के मेनस्ट्रीम लीडर जो है उन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा है, बहुत पुराना छोड़िए, इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने क्या बात कही है, राहुल गांधी ने इस इलेक्शन में कहा है कि मैं वो 50% की जो रिजर्वेशन की सीमा है उसको उठा के फेंक दूंगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर आप वो उठा के फेंकना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फेंकना चाहते हो, वो जो सीमा है 50% की वो आई कहां से है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही है ना। तो उन्होंने भी ये बातें कही, उनके बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में बातें कही है कि रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, रिजर्वेशन के बारे में नेहरू से लेकर उनकी क्या भूमिका रही है आज तक, नेहरू जी जो लोग रिजर्वेशन लेते हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन कहा करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कांग्रेस ने जितनी बार की है, मतलब सेक्युलर और सोशलिस्ट ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में किसने डाले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे क्या, ये छोड़िए आर्टिकल 35 जो 370 के साथ था वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रक्रिया से आया था, पार्लियामेंट ने पास किया था क्या, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल था क्या, इन्होंने कितनी कृतियां ऐसी की है। लेकिन क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्रिंज एलिमेंट अगर कुछ बात कहेगा तो मीडिया उसको मेनस्ट्रीम बना देती है, एक जो इकोसिस्टम है एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की जो इकोसिस्टम है वो उसको एक मेनस्ट्रीम नैरेटिव करके चलाती है, और कांग्रेस के प्रमुख लीडर भी कोई बात करते हैं, इतनी गंभीर बात करते हैं तो भी उसको बिल्कुल नहीं चलाया जाता है, उसको खारिज किया जाता है, ये गलती रह गई मुझे ऐसी बात, मुझे लगता है कि जो गावड़े साहब ऑपोजिशन के लोग जो हैं, नॉन एनडीए पार्टीज के जो लोग हैं, घटक दल जो हैं, वो तो उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात तो सुनाई नहीं दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गाली भी देते हैं तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारे यहाँ कोई छींकता भी है तो उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, यहाँ तक के जो कॉर्पोरेट मेनस्ट्रीम मीडिया है उसको तो आजकल लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो ये तो आप उल्टी बात कह रहे हैं सर। गावड़े साहब, नहीं नहीं जब तक कोई जर्नलिस्ट उठ के राहुल गांधी की गोदी में बैठ ना जाए तब तक वो गोदी मीडिया होता है। आप देखिए कितने जर्नलिस्ट थे जो कितना सीना तोड़ तोड़ के बातें किया करते थे, वो आज किसकी गोद में जाके बैठे हैं, सुप्रिया सिन्हा किसकी गोदी में जाके बैठ गई, वो तो कांग्रेस की पार्ट हो गई ना, वो तो कांग्रेस में आशुतोष करके एक पत्रकार थे वो किसकी गोदी में जाके बैठे है, किसकी गोदी में, या फिर जो लोगों ने अभी मतलब उनकी टीआरपी कम होने की वजह से उनको निकाला गया उन हाउस से, वो लोग किसकी गोदी में जाके बैठ गए, रवीश कुमार जी किसकी गोदी में जाके बैठ गए, अभिसार किसकी गोदी में जाके बैठ गया है, तो जब तक कोई जर्नलिस्ट उनकी जो लाइन है वो नहीं चलाता तब तक वो गोदी मीडिया होता है। सोनिया गांधी जी ने कहा कि बीजेपी वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस, सोनिया गांधी एक्यूज द बीजेपी कि आप कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करना चाह, आप कांग्रेस को फाइनेंशियली क्रिपल करना चाह, आपने कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए, इकोनॉमिकली उनको टोटली बर्बाद करने का कोशिश किया, बट कांग्रेस सर्वाइव जंप फॉट एंड प्रॉस्पर्ड, कांग्रेस खुद 100 के ऊपर आए, 101 102, और पूरे एलायंस को 230 तक लेके आए, एंड दैट इज द विक्ट्री सोनिया गांधी जी, दैट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री फॉर अस। क्या आप कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते थे, फाइनेंशियली क्रिपल करना चाहते थे गावड़े साहब?
नहीं देखिए, कांग्रेस खुद को, मैंने आपको पहले ही अभी 2 मिनट पहले पिछले जवाब में कहा ना कि कांग्रेस खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर इस देश का जो लीगल ढांचा है उसके ऊपर समझती है। उनका यह मानना है कि इनकम टैक्स के जो रूल्स होंगे वो हमको अप्लाई नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? सबको हो गया, आपको भी अप्लाई हो गए। अगर आप सालों से इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आएगा, वो जो कुछ प्रोसीजर के अनुरूप कार्रवाई है वो होगी। वो क्यों नहीं होगी आपके खिलाफ? और आप उसके बाद विक्टिम प्ले करेंगे। आप भारत की एक बड़ी पार्टी है, आपने लंबे अरसे तक देश के ऊपर राज्य किया है, आप आईटी के रूल्स का कंप्लायंस नहीं करते हैं सालों तक। वो 1-2 साल की बात नहीं है, 8-2 साल, 8-10 साल से नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है उसके बाद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस देश की इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि अपोजिशन का जो अलायंस है उसकी कुछ सीटें आ गई, तो ये आप देखिए वो कैसे आ गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ लड़ी है क्या? तो आप कैसे उसकी टैली अपने साथ जोड़ रहे? वहां तो आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया है, पंजाब में आप उनके साथ लड़े हैं क्या? कुछ जगह पे आपने सीपीएम सीपीआई के साथ अलायंस किया, केरल में आप उनके साथ लड़े हैं क्या? तो ये जो 220 30 जो लोग हैं ना, वो सब अलग अलग है। वो सिर्फ कुछ एक कारण के लिए कुछ साथ दिख रहे हैं। स्टेट में जहां पे लड़ाई है वो वहां पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो ये उस गैर मतलब उस नासमझी में नहीं रहे कि ये हमारे 230 240 लोग हैं, वो आपके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी का कहना है कि जनादेश 2024 का सिर्फ और सिर्फ एनडीए एनडीए एनडीए, मोदी जी का कहना है। बट द कांग्रेस, एज यू से राहुल गांधी, राहुल गांधी कह रहा कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, विकसित भारत का गारंटी वर्सेस राहुल गांधी जी का जो 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी, बोले दिस हैज सक्सीडेड। 25 पांच पिलर्स ऑफ जस्टिस, पांच न्याय जो राहुल गांधी लेके गए, 25 गारंटी जिसमें महालक्ष्मी योजना है, पहली नौकरी पक्की, नौकरी नौकरी भर्ती पक्की, तो एक एक चीज 25 लाख का इंश्योरेंस। हाउ डू यू सी द आर्ग्यूमेंट ऑफ राहुल गांधी कि 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस हैज सक्सीडेड? गौड़े साहब, नहीं नहीं राहुल गांधी जी के पास अभी एक बहुत ही अच्छी सुवर्ण संधि निर्माण हुई है। आप जानते होंगे राहुल गांधी को अभी राहुल गांधी की गारंटी प्रूव करने का समय मिला है, अवसर मिला है। हर जगह भारत में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गरीब महिलाएं जाकर रुकी है, वो वहां पे कांग्रेस के लोगों को 1-1 लाख रुपए मांग रही है, तो वो उनको दे देने चाहिए और अपनी गारंटी प्रूव करनी चाहिए। इन लोगों ने देश के गरीबों को साथ बहुत बड़ा छल किया है, देश के गरीबों को मूर्ख बनाने का काम इन लोगों ने किया है। आप देख रहे होंगे कि गरीब महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर है, क्योंकि ये लोग गली गली गए और उन्होंने महिलाओं को ये कहा कि आप हमको वोट दीजिए, रिजल्ट के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, सरकार बनने के बाद नहीं, रिजल्ट के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से आप राजनीति करोगे क्या? तो अभी राहुल गांधी अपनी गारंटी प्रूव करें, वो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे जिन के साथ छल राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने किया है, बतौर मतलब प्रूफ पर्चियां बांटी गई, ये पर्चे आप लेके आइए कांग्रेस दफ्तर, आपको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, ये राहुल गांधी की गारंटी है। अभी वो प्रूव करे अपनी गारंटी, दे दे उन महिलाओं को पैसे। तो प्रदीप गावड़े साहब, अभी एक और बातचीत चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे जी के साथ कोई बैकडोर डायलॉग हो रहा है, क्या कोई बातचीत हो रही है कैसा कि वो वापस आ जाए इस तरफ एनडीए की तरफ? नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं चल रही है, कुछ बात ऐसी चल रही नहीं रही है, क्योंकि हर जगह पे सर स्पेकुलेशन है, हर जगह पे बातचीत है, मतलब मीडिया के अंदर बातचीत है, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं स्पेकुलेशन चलते रहते हैं, स्पेकुलेशन कुछ भी चल सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात जहां तक आधिकारिक जानकारी है ऐसी कुछ बात चल नहीं रही है। हमारा जो गवर्नमेंट है आज का महाराष्ट्र का, एकनाथ शिंदे जी के और देवेंद्र जी के और अजीत दादा के नेतृत्व में, वो सॉलिड है। किसी भी एमएलए ने ये रिजल्ट आने के बाद भी कुछ अलग तरीके की मनोकामना कुछ उपलब्ध नहीं की है। हमारा गवर्नमेंट स्ट्रांग है, सभी गवर्नमेंट के साथ है, अजीत दादा के लोग भी उनके साथ है, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे स्ट्रेट एकनाथ शिंदे की मतलब जो ओरिजिनल शिवसेना है और उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई हुई है, ऐसी 13 में से 7 जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे एकनाथ शिंदे जी की सीट चुनकर आई है। तो ये इस बात का, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को नौ मिली, जो शिवसेना का वोटर बेस था, नहीं जो शिवसेना का वोटर बेस था वो एकनाथ शिंदे के साथ रहा है, और जो मुस्लिम पैकेट्स रहे वो उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, और उसकी वजह से उद्धव ठाकरे की कुछ सीटें चुनके आई है। तो ये इन नो वे उद्धव ठाकरे रिप्रेजेंट्स द शिवसेना।
No, you know, JPC जो मांगा है राहुल गांधी जी ने the stock market scam linking into exit poll, बोले कि Prime Minister himself is involved, Prime Minister अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिग कर दिया स्टॉक मार्केट को जो उछाल मिला. तो आप तो is the BJP going to have a JPC? आपको क्या, how do you see that? JPC का मांग? नहीं, मैंने पहले भी मतलब आपके शो में बहुत बार कहा है कि राहुल गांधी की समझ के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी हमेशा खुद बोलकर ही निर्माण कर देते हैं. देखिए, जब रिजल्ट आया तो कुछ पॉइंट से शेयर मार्केट नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ये हुआ तो शेयर मार्केट आज रिकॉर्ड हाई के ऊपर है. तो इसका मतलब है कि लोगों के जो मतलब स्टॉक्स थे वो रिकवर हो गए. दूसरी बात, पीयूष गोयल जी ने उस बारे में रिकॉर्ड देकर कहा है कि जब शेयर मार्केट हाई था तो उस वक्त हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बेचा और जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने खरीदा, और जब शेयर मार्केट फिर कुछ गिरा मतलब रिजल्ट आने के बाद, उस वक्त हमारे डोमेस्टिक मार्केट ने छोटे दामों के ऊपर कम दामों के ऊपर शेयर को फिर खरीदा. तो जो देखिए, जो मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको पता रहता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है. वो राहुल गांधी से बहुत ज्यादा होशियार लोग है इस देश में. मतलब जो कोई छोटा भी शेयर में इन्वेस्ट करने वाला बंदा होगा वो राहुल गांधी से बहुत ज्यादा आकलमंद है, ऐसा मेरा मानना है. और उन्होंने मार्केट की जो परिस्थिति थी उसको देख के अच्छे तरीके से रिएक्ट किया है. और मुझे पीयूष गोयल जी ने ये बात सप्रमाण बता दी है. लेकिन अभी राहुल गांधी की मतलब अभी चलो कुछ सीटें आई है तो वो हर मतलब ये जो उन्होंने कल बात कही है, हर दूसरे तीसरे दिन हमको कुछ ऐसी इंटरटेनिंग बातें देखने को मिलेगी. 5 साल है हमारे लिए. बट इज फंटेस्टिक, आप बोल रहे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैव गेन्ड एंड राहुल गांधी से रिटेल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट. और आपने भी एग्जांपल फर्स्ट क्लास दिया कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर मोर इंटेलिजेंट राहुल गांधी. सो दे जहां बेचना था खरीदना था बेच दिया एंड दे मेड अ प्रॉफिट्स. दैट इज फंटेस्टिक. बट द मार्केट हैज गेन्ड आफ्टर द स्वेयरिंग इन एंड टुडे इट इज एट इट्स हाईएस्ट लेवल. सो ऑन दैट देयर इज नो डाउट एट ऑल. So whatever losses were there have been more or less recovered. And those people, by the way, who stayed on in the market, who did not do panic selling, they would have gained quite a lot right now. Yes. And those people who did panic selling, well, it's your choice. उसके बारे में कोई कुछ क्या कर सकता है. अगर आपको लगा कि अब तो मार्केट ऊपर आएगी नहीं और आपने बेच दिया कि भाई भागते भूत का लंगोटी ठीक है, तो फिर लंगोट पकड़ के बैठो. क्या कर सकते हो उसके बारे में, you can't blame anybody. लेकिन फिलहाल गौड़ा साहब, congratulations to you. थर्ड टाइम रनिंग, मोदी जी इक्वल्स द रिकॉर्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. बट एक्चुअली देयर इज अ बिट ऑफ एन एनोमली ओवर देयर, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. द फैक्ट वाज दैट पंडित जी रियली हैड नो राइवल्स, यू नो. सो एंड द सिचुएशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट. द इलेक्शंस वर नॉट फॉट सो कंपेटिटिवली और फियर्सली एट दैट टाइम, सो इट वाज ईजियर. बट ऑल द सेम, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, फैंटास्टिक अचीवमेंट. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. Namaskar. Jai Sri Ram. Thank you. Pleasure. Yeah, but still, the BJP, it'll still have to be a tight rope. You can't really do what you did earlier. Let's be very clear. You have to keep everybody happy. Unless you decide to bring in 49 or 50 Congress MPs over to your side, which can also happen. It's happened before. It might happen again. At the moment, with us, Mr. Arun Sawant, from the Shiv Sena, the Eknath Shinde se. Arun Sahab. Mr. Arun Sawant Sahab, namaskar. Namaskar, sir. Pradeep ji, Nambiar ji. Namaskar. Namaskar, sir. How are you, sir? Kaise, sir? I'm fine. So, sir, Eknath Shinde sahab ne to ekdam kaam shuru kar diya, jaise hi chunav khatam hue. Wo soyabean farmers aur jo कॉटन के फार्मर्स हैं, सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं और अनियन फार्मर्स हैं, उनको कॉम्पेंसेशन एकदम अनाउंस कर दी. मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनको बट भी जाएगी. और कितने का पैकेज है सर? 1,60,000 करोड़ का शायद पैकेज है, ऐसा कुछ. बिल्कुल सही, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बट आई होप इट हैपेंस वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि अभी क्या है, मानसून आ गई है सर. मतलब मुंबई में तो आ गई है मानसून और कोंकण में भी आ गई है, बाकी हर जगह भी बारिश की बहुत अच्छी खबर आ रही है हर जगह से. तो लिहाजा मुझे लग रहा है इस बार ये साल शायद अच्छा जाएगा. आपको क्या कहना है इसके बारे में सर? सावन साहब बताएं. बजाज जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं. 18वीं आपको, हमको, पूरे देशवासियों को, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया, मंत्रिमंडल बैठ गए, अपना कामकाज शुरू किए. जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी ने
इलेक्शन के रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही उन्होंने काम शुरू किया है। उसी प्रकार से वहाँ केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो NDA सरकार है उसने भी इमीडिएट किसानों के लिए काम शुरू कर दिए हैं, गरीब लोगों को आवास की योजना जो थी वो शुरू कर दी है। मतलब किसानों से ही उन्होंने केंद्र में भी कामकाज का शुभारंभ किया और राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पे शुरुआत कर दी है। ये एक खुशी की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री काम को लग गए हैं, ये तो बात ऐसे ना बजाज जी, मुख्यमंत्री इस राज्य के जो है उनकी एक खूबी है, वो जिस दिन से वो 2 साल पहले जब उन्होंने कार्यभार संभाला था एज अ मुख्यमंत्री, उसी दिन से उन्होंने कामकाज शुरू किया है और ना वो कभी रुके हैं ना वो कभी थके हैं। यही इसीलिए महाराष्ट्र की जनता उनको प्यार करती है और इसीलिए आज हमें एक अच्छा मैंडेट लोगों का यहाँ पे मिला और 15 में से 7 सीट हम जीते। No, there's a criticism within the party. कुछ लोग बोलने लगे शिवसेना की कि जो यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन आपके पार्टी को ढंग से नहीं मिला। बोले कि बहुत सारे नॉर्थ में और साउथ में पार्टी जो एक एक थे उनको कैबिनेट रैंक मिले। आप यू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल फॉर अ पार्टी दैट इज नियरली 2 years ओल्ड एंड यू स्कोर 7 out of 15 कॉन्टेस्टेड, जबरदस्त आपका था एंड बड़े बड़े विक्ट्रीज थे। एकनाथ शिंदे जी की खुद 2-3 जिस प्रकार, तो इन स्पाइट ऑफ दैट यू नो यू गॉट अ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, तो हाउ डू यू सी, बहुत रिएक्शंस आ रहे विद इन द पार्टी कि थोड़ा व्यवहार आपसे गलत हुआ, हाउ डू यू सी दैट अरुण सावंत साहब? प्रदीप जी, काफी बातें हो रही है, ज्यादातर बातें तो हमारे जो विरोधी दल है जैसे कि उभाटा शिवसेना, आपको मालूम ही होगा, उनकी ओर से हो रहे हैं। और उसमें भी खास करके इस देश का एक सबसे बड़बोला जो प्रवक्ता है, जो अपने आप को महापंडित ज्ञानी समझते हैं, संजय राउत, उसकी ओर से हो रही। आज देखिए जो भी हमें मिला है हम उसमें खुश है। ये बात ठीक है कि हम इससे भी कुछ ज्यादा लेने के हकदार थे, लेकिन एक बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो गठबंधन है वो कुछ लेन देन के ऊपर नहीं हुआ है। हमने शिवसेना हमारी जो है वो हमने बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। उनके जो विचार थे, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी थी शिवसेना को, वो लेकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, मराठी मानुष और हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज हम NDA सरकार में शामिल हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमें कैबिनेट मंत्री देते तो और भी अच्छा होता, लेकिन हम लोग अभी भी खुश इसलिए हैं क्योंकि हमने इनका जो साथ दिया है वो हमने कोई भी डिमांड नहीं रखा था कि हम अगर आप हमें अगर ये देते हैं तो ही हम आपको साथ देंगे। बाकी जो दल आए हुए हैं उनका कैसे प्रदीप जी, वो NDA में तो थे ही नो डाउट, लेकिन उन्होंने एक इनके साथ बार्गेनिंग की है कि हमें आपको ये देना पड़ेगा। पिछली बार भी हम आपके साथ सत्ता में थे तभी हमें आपने मौका नहीं दिया था, लेकिन इस बार हमारी वजह से, हमारे पार्टियों की वजह से NDA की सरकार बनने वाली है और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान पद की शपथ ग्रहण करने वाले, इसीलिए उन्होंने कुछ डिमांड रखी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था आप जो भी देंगे हमें मंजूर है, क्योंकि हमने कोई भी आपके पास शुरू से डिमांड नहीं रखा था, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है हिंदुत्व को जागरूक रखने का, महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ इस देश में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। उस बेसिस के ऊपर हम आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, NDA के साथ है, इसीलिए हमने कोई भी उसके ऊपर टिप्पणी की नहीं है। और जो भी एक हमें मंत्री पद मिला है वो भी मंत्री पद हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल रखते हुए, एक हमारा जो सीनियर नेता है, सीनियर कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके सांसद बनके संसद में चला गया उसको चुना है, यही हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा साहब। बहुत स्पेकुलेशन चल रही है हर जगह पे कि हो सकता है एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने भी लोग आए हैं शायद वो उद्धव ठाकरे जी के साथ टच में हों, ये भी बात हो रही है कि शायद वापस चले जाएं, शायद बहुत लोगों की घर वापसी हो जाए।
और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे जी की खुद की घर वापसी हो जाए, वो एनडीए में आ जाए, ऐसी बात चल रही है। सावन साहब आप बताएं ये क्या है। देखिए प्रदीप बजाज जी, काफी बातें हो रही, मैंने क्या कहा, आप आए दिन सुबह 8 बजे अगर आपका कोई भी टीवी चैनल खोलते हो तो आपको उबाटा शिवसेना के प्रवक्ता जो अपने आपको बहुत बुद्धिमान मानते हैं, सुबह सुबह आते किसी एक गार्डन में खड़े रहते हैं, सामने सुबह सुबह उनके सामने काफी पत्रकार आते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं वो। आप देखिए अभी उन्होंने कल से क्या शुरू की है, दो बाबू मिलकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ शामिल हुए हैं और एनडीए का सरकार चला रहे। दो बाबू यानी कौन, एक चंद्रा बाबू और एक नीतीश बाबू। आज उनके साथ नीतीश जी और चंद्रा बाबू नायडू नहीं गए, इसलिए आज वो उनको भला बुरा कहने में लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी की जो सरकार आई है वो सरकार कुछ ही दिनों में गिरेगी, ये जो एनडीए की सरकार है वो कुछ ही दिनों में गिरेगी। चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू इनको हम काफी नजदीक से जानते हैं, हम हर दिन उनके टच में है क्योंकि इतने महीनों से वो हमारे साथ थे। मतलब इन्होंने ये कोशिश पहले दिन से शुरू की, खास करके ये संजय राउत ने, कि किसी भी प्रकार से चंद्रा बाबू नीतीश बाबू और एनडीए की जो सरकार है उसमें कैसे झगड़े लगाए जाए और जल्द से जल्द ये जो देश की सरकार है एनडीए की उसे कैसे अस्थिर किया जाए, उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, सुपारी ली है और वो काम को लग गए। आए दिन वो ये कहते हैं कि हमने सुपारी ली थी, मतलब हमारी शिवसेना ने, और हम वहां पे चले गए। लेकिन असली सुपारीबाज कौन है ये उनकी बातों से देश की जनता जान रही है और पहले दिन से वो इस कोशिश में लगे कि किसी भी प्रकार से जितना जल्द हो चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू, ये दो बाबू, इनका साथ छोड़े और हमारे पास आए। उनको क्या दिया है एनडीए सरकार ने, उनको तो एकदम गया गुजरा मंत्रालय दिया है। मतलब जैसे ये इनके पास आने के बाद इनको वो चांद और तारे तोड़कर देने वाले संजय राउत ऐसी बातें कर रहे हैं। एक मिनट सर, ये संजय राउत जो है उसकी परिस्थिति अभी हुई ऐसी हुई है कि जल में से अगर किसी मछली को आप बाहर रखे तो कैसे फड़फड़ी, किसी मेंटली रिटायर्ड आदमी के प्रकार से हर आए दिन बात कर रहे हैं। और उनका अभी एक ही लक्ष्य है कि हर दिन अभी आप चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू को कैसे तोड़े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास से और ये सरकार टूटे बिखर जाए और फिर एक बार हमारी सरकार कैसे आए कांग्रेस के साथ मिलकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में समझो ऐसा होगा तो कभी नहीं, लेकिन अगर उनकी अपने कांग्रेस के साथ सत्ता बनती तो पंतप्रधान ये संजय राउत को बनाना चाहिए। इस प्रकार से वो आए आज का तो बात नहीं कर रहे अरुण सावंत साहब, नाना पाटोले जी का फोन उद्धव ठाकरे जी नहीं उठा रहे, बार बार फोन किए अभी नहीं उठा रहे। अभी कुछ देर पहले मैं नाना पाटोले जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो नाना पाटोले जी को कुछ जो एंकर हो तो ये पूछ रहे थे कि आपकी बात क्यों नहीं हो रही उनके साथ, आपका तो हर एक जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं वो उनके घर पे जाके बुके दे रहे हैं, फूल गुच्छे दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं उनको, और आपका और उनका बात क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या गड़बड़ है, आप और उनमें दोनों में क्या बन नहीं रही है, क्या आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं कांग्रेस और उबाटा शिवसेना में, तो उसको वो टाल रहे हैं। लेकिन अंदर से ये दो पार्टियों में भी अभी से ही अनबन बन रही है, लेकिन संजय राउत के वो ध्यान में भी नहीं रहे। संजय राउत का सिर्फ एक ही बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, या उसको शायद सुपारी दी रहेगी कि आप यहाँ का भी भूल जाओ, महाराष्ट्र को आप भूल जाओ, आप आंध्र प्रदेश में कैसा झगड़ा होएगा चंद्रा बाबू में और उसकी जनता में, या नीतीश बाबू के साथ और बिहार की जनता के साथ कैसा झगड़ा होए, या दो बाबू और नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार इनमें कैसा झगड़ा है, उसके लिए काम करो। हर आए दिन आप इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करो, जो काम आपको पहले सौंपा था वो काम आपने अच्छी तरह से किया है, अभी आप इस काम को लग जाओ। उन्होंने क्या किया था इस इलेक्शन में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर पूरे देश में वो जो डर पैदा किया आदिवासी जनता में, मुस्लिम समाज में, उसके बाद हमारे एससी एसटी शेड्यूल कास्ट की जनता में उन्होंने जो डर पैदा किया, घटना को बदल देंगे, आरक्षण रद्द होगा, ये डर की वजह से जनता में एक भ्रम पैदा हुआ और उसी भ्रम के कारण ये महाविकास आघाड़ी
या इंडी का जो गठबंधन है वो कुछ ज्यादा वोटों से जीत के आया है, तो अभी ऐसा। एकनाथ शिंदे जी, he has performs exceedingly well, जबरदस्त performance, महायुति को अगर उठाया तो एकनाथ शिंदे जी ने उठा लिया, fantastic। एकनाथ शिंदे जी ने ये भी accept कर लिया कि farmers, farmers, specially onion farmers, soybean farmers, cotton farmers और milk उत्पादक, इनके हमने शायद कुछ कमियां रह गए, एंड दे हैव यू नो दे हैव अफेक्टेड द पोल्स फॉर महायुति, उन्होंने एक्सेप्ट कर। शरद पवार जी ने भी यही बोला था कि अनियन फार्मर्स आर गोइंग टू कॉज डैमेज टू द महायुति, और आगे शरद पवार साहब ने कहा कि ये जो निचला स्तर पे पॉलिटिकल डिबेट्स होने लगा है, दैट इज द बिगेस्ट कॉज बिकॉज महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना। हाउ डू यू शरद पवार जी का इस कमेंट को आप देखते, फार्मर्स में एकनाथ शिंदे जी ने एक्सेप्ट कर दिया कि हमारा भी थोड़ा फार्मर्स की तरफ से थोड़ा नजरअंदाज हो गए, अनदेखी हो गए। हाउ डू यू सी शरद पवार स्टेटमेंट सर? देखिए, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है इस देश के, उनके ऊपर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है, जो ओनियन का जो इश्यू था इस महाराष्ट्र में या कई अन्य में, और कब शुरू करना चाहिए, कब आयात करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके कुछ मुद्दे होते हैं। उसी वक्त यहाँ के रेट के ऊपर भी असर होता है, और या इंटरनेशनल रेट कम होते तो यहाँ पे कम होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र के ओनियन उत्पादक जो हमारे किसान हैं उनका काफी नुकसान हुआ, कहीं पर तेज बारिश हुई तो कहीं पे अवर्षण था। अभी इस वक्त तो महाराष्ट्र में बारिश जल्दी शुरू हुई है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल जो मौसम है वो काफी अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। 99% बारिश इस बार महाराष्ट्र में या देश में होगी, ऐसा जो है ये होता है हवामान खाता जो उन्होंने एक अंदाज अपना बताया हुआ है, तो उसको उसका एक हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर किसानों को जो तकलीफ हुई उसकी वजह से भी हम कुछ विभागों में हमें जो मतदान है वो काफ़ी कम हुआ। और दूसरी बात, जो अच्छे कामकाज पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री ने एज अ महायुति उसका जो फल मिलना था, फलस्वरूप वो मतदान में हमें हुआ है। कुछ जगहों पे हमने जो हमारे जो उम्मीदवार थे उनको उम्मीदवारी जाए मतलब उनका डिक्लेयर करने में काफी देरी की, हमने सोचते बैठे हम वो गलतियां हुई, और काफी जगहों पे 99 जगह पर ये जो विरोधी पार्टियों के पास से जो भ्रम पैदा किया गया उसका नतीजा है कि मुंबई जैसा शहर लो या मालेगांव जैसा शहर लो, औरंगाबाद लो, कई जगह पे जो माइनॉरिटी समाज जो होता है उन्होंने डर की वजह से शिवसेना को और कुछ अन्य पार्टियों को मतदान किया है, उस वजह से हमें कम मतदान हुआ है। बाकी मनोज जरांगे पाटिल जी इज गोइंग टू बी अ बिग इशू बिकॉज आप लोकसभा में इन स्पाइट ऑफ एकनाथ शिंदे'स बेस्ट परफॉर्मेंस यू कैन नॉट रीच दैट दैट व्हाट यू शुड बी, और सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मनोज जरांगे पाटिल्स एजिटेशन। ऑलरेडी इज ऑन हंगर स्ट्राइक, ऑलरेडी चालू कर दिया है, और मराठा वोटर्स ने बहुत सारे स्पेशली बीजेपी के जिस दिग्गज नेताओं को हरा, जिसमें पंकजा मुंडे, मुंगंटीवार, भारत राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, दिग्गज नेता हारे हैं सावंत साहब। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ जरांगे पाटिल? मराठा वोट्स आर एसेंशियल, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट फॉर द विधानसभा, बिकॉज अक्टूबर में शायद चुनाव है विधानसभा का। प्रदीप जी, मनोज जरांगे पाटिल एक सच्चा कार्यकर्ता है, मराठा नेता है, हमने उनका हमें हर वक्त उनका मान सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है मराठा समाज के हित के लिए, आरक्षण के लिए, उस आरक्षण का साथ इस सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के रूप में काफ़ी अच्छी तरह से दिया था, काफ़ी अच्छी तरह से हम लड़े, और इसीलिए 10% जो आरक्षण है मराठा समाज के लिए वो हम खींच कर लेके आए, किसी भी अन्य समाज को तकलीफ ना देते हुए। हमने ना तो ओबीसी समाज को तकलीफ दिया है, ना हमने किसी और समाज को तकलीफ दिया है, और ये आरक्षण हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लेके गए, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है और उसके ऊपर आगे की कार्यवाही चल रही है। लेकिन कि काफी सालों से इस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय शरद पवार जी की सरकार थी, कांग्रेस के जो कई अन्य मुख्यमंत्री थी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मराठा समाज के
हित के लिए या आरक्षण के लिए काम नहीं किया। संदेश गया नहीं है ना सर, सर ये संदेश पहुंचा नहीं है ना ठीक तरीके से, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक कभी भी कांग्रेस की जो सरकार रही है या कांग्रेस एनसीपी की, दोनों की जो सरकार रही है, उन्होंने मराठा समाज के लिए कभी भी आरक्षण के लिए जिस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए था नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सबसे पहली बार एक गंभीरता से इस पर प्रयत्न किया गया एकनाथ शिंदे जी के आने के बाद। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये जो बनती है, जो प्रदीप जी असल में पूछ रहे हैं आपसे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा कैसे हो गई, 23 सीटों से 9 सीटों पर कैसे आ गए सर, ये तो बताइए ये कैसे हो गया प्लीज। बजाज जी, भारतीय जनता पार्टी हो या हम हो, भारतीय जनता पार्टी सर आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रही है, आपकी परफॉर्मेंस तो 7 सीटें आई है सर आपकी, मतलब इट्स फैंटास्टिक जी। बोलिए बजाज जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में टोटल 28 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। 34 सर, 34 34 भारतीय जनता पार्टी के 34 थे, 15 आपके थे, 34 शायद आपके थे और 4 थे इनके कर, जो भी हो सर, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, 28 जगह पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, हम 15 जगह पर थे। और आपको मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार दादा, हम तीन पार्टियों ने मिलकर काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। लेकिन पूरे देश में इस बार जो हुआ है, जो गलत प्रचार किया गया, कुछ नेताओं ने कुछ टिप्पणी की थी आरक्षण के और घटना के बारे में, लेकिन वो कोई ना तो वो कोई प्रवक्ता थे कानूनन किसी पार्टी के, हम तीनों में से गलती से उन्होंने कुछ बातें की थी, उसी बातों को एनडीए ने पूरे देश में फैलाया, गलत प्रचार किया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी या ये जो हमारी एनडीए सरकार है वो अगर 400 पार करती है तो इस देश की घटना को उन लोग टोटली बदल देंगे, ये जो घटना है वो घटना उन लोग आदिवासी हो या एससी एसटी के हो या फिर माइनॉरिटी के उनके खिलाफ में करेंगे, उसी प्रकार से आरक्षण को इन लोग पूरे देश से रद्द करेंगे, तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा, आदिवासियों को कोई भी बेनिफिट मिलेगा नहीं, इस प्रकार से गलत बातें फैलाकर उन्होंने जो डर पैदा किया वोटर्स के मन में, उसी की वजह से पूरे देश में हलचल हुई, पहली बार ऐसा हुआ और उस वजह से महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में कई जगहों पर इसका असर हुआ। और यही मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना अच्छा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, यहाँ महाराष्ट्र में हम शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो, काफी अच्छा कामकाज 2 साल में होने के बावजूद भी ये 3 बातों की वजह से माइनॉरिटी समाज के मन में डर पैदा हुआ और उस डर के कारण वो एक गट्ठा मत जो है उन्होंने मुंबई में हो या महाराष्ट्र में शिवसेना को किया, शिवसेना को मराठी मत या हिंदू मत जो हर साल मिलते थे उतने ही मिले और वो पार्टी ऐसा करे कि मुंबई हमारी है, आपको अगर मालूम होगा तो इस मुंबई में हो या इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रीयन मत जो भी है वो सारे के सारे मतलब ज्यादा परसेंटेज में मतदान जो है वो एकनाथ शिंदे जी को हुए, उनकी शिवसेना को हुए, भारतीय जनता पार्टी के हुए। लेकिन इन लोग अभी भी इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमें पूरा जो मराठी वोट है वो हमारे साथ है और इनके साथ कुछ भी, मतलब जो आए हर दिन इनके जो प्रवक्ता है या इनके जो मुख्य नेता है, हिसाब से अगर देखते हैं सर, अगर अंकों के हिसाब से अगर देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें आई, 9 बराबर बिल्कुल, आपके पास 7 आई हैं और अजीत दादा पवार के पास 1 बराबर, और सामने अगर आप देखें कांग्रेस के पास 13+1 जो सांगली की सीट है वो भी उन्हीं के पास आ गए वापस, तो 14 हो गए। आदरणीय समन्वय अपने उद्धव ठाकरे जी के पास 9 हैं और शरद पवार जी के पास 8, तो लिहाजा सर आंकड़ों से अगर देखा जाए, अगर सिर्फ अंकों का खेल देखा जाए तो MVA महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भले ही अल्पसंख्यकों ने यानी मुसलमानों ने एक ही तरफ वोट किया हो सकता है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ने भी एक ही तरफ वोट किया हो, लेकिन इसमें गलती किसकी है, गलती तो आपकी है ना, कम्युनिकेशन में गलती है ना सर बीजेपी की,
एकनाथ शिंदे साहब ने तो अपना काम किया है, आपने अपनी सीटें जीती हैं, लेकिन सामने जो पार्टी का जो मेन इंजन है अलायंस का, वही अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो बाकी सब क्या करेंगे? सावन साहब, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ बजाज जी। देखिए अभी भी आप वोट शेयर के मामले में अगर मुझे पूछते हो तो जितना भी वोटिंग आज की तारीख में हमें हुआ था उसमें हम सिर्फ पिछले इलेक्शन से हम महाराष्ट्र में सिर्फ 1.5% वोट हमें कम मिले, मगर अगर हमें महाराष्ट्र में अगर विधानसभा हमें जीतनी होगी तो ये जो वोट शेयर अभी हमने लिया है उसको बरकरार रखते हुए हमें सिर्फ 1.5% वोट को बढ़ाना है, और वो कोई इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं। हम उसे मेहनत करके और हमारी जो तीनों गठबंधन जो हमारा है महायुति का, जो कामकाज पिछले 2 साल में हमने किया था, सच्चाई से किया था, लोगों के हित के लिए किया था, वही कामकाज हम आगे जारी रखेंगे, और 1.5% वोट के हम 5% ज़्यादा वोट लेने की ताकत रखते हैं आने वाले इलेक्शन तक, और हम पूरी तरह आने वाला जो विधानसभा है वो हम बाजी मारेंगे, और इस राज्य में आपको महायुति सरकार दिखाई देगी, आप देख लीजिएगा। अरुण सावंत साहब, हाउ डू यू सी राहुल गांधी जी का कमेंट? राहुल गांधी जी का कहना है कि इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट मोदी। उनका कहना है कि 60% ऑफ द इलेक्टोरेट हैज वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। बोले कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉस्ट 63 इंपॉर्टेंट सीट्स हार गए, जिसमें मंत्री थे स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, आर के सिंह, अजय मिश्रा, राजीव चंद्रशेखर। राहुल गांधी लिस्ट लेके बैठा है ना, हाउ डू यू सी, इज द मैंडेट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी? सावन साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के विरोध में अगर इस देश की जनता होती तो इस देश की जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हद्दपार कर देती, उनको फिर से वो पंतप्रधान पद के ऊपर चुनती नहीं। इस बार डर की वजह से देश की जनता ने ये देखा है कि घटना, मतलब हमारा, हमारे देश की जो घटना है उसे चेंज भी नहीं करना है, और देश को हमें प्रोग्रेसिव रखना है, देश को हमें आगे लेके जाने का, और उसके लिए अगर इस वक्त अगर इस देश में कोई सच्चा नेतृत्व है, कोई कर्तव्यगार अगर पंतप्रधान अगर है, वो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उन्होंने समतोल रखा इस बार, उन्होंने एज अ पंतप्रधान मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और इस देश में सभी को समान हक देने के लिए उन्होंने जो विरोधी पक्ष नेता है उसे भी मतदान किया है। मतलब देखिए आप, विरोधी पक्ष को भी जिंदा रखा है और देश में एक कर्तृत्ववान नेतृत्व को भी जिंदा रखा है उन्होंने, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी उन्होंने जिंदा रखा है, और जीत के लिए उन्होंने नेतृत्व आगे लेके जाने के लिए पंतप्रधान पद के ऊपर उन्होंने फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को ही बिठाया है। ना तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश के पंतप्रधान पद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की जगह पे राहुल गांधी या फिर संजय राउत होते फिर। सुप्रिया सुले जी का कमेंट कि आपने पूरे ताकत लगाए थे बारामती में उनको हराने के लिए, आपने तुतारी 2-3 कैंडिडेट्स को भी दिया, तुतारी विद पर्सन, तुतारी विदाउट पर्सन, अलग अलग और सेम नाम के आप 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में आपने पूरा हर आपने हथकंडे इस्तेमाल कर दिया, प्रशासन का दुरुपयोग प्रशासन कर दिया आपने, बट दे स्टूड ऑल। इतना भी किया कि बारामती में शरद पवार जी के समर्थकों पर अटैक भी हो गया, फिजिकल वायलेंस हुआ, बट शरद पवार जी एंड सुप्रिया सुले जी इन सबको ओवरकम करके जीते हैं, बोलो दैट इज ग्रेट विक्ट्री। हाउ डू यू सी शरद, सुप्रिया सुले जी इस प्रकार से स्टेटमेंट कर रही है? साउंड प्रदीप जी, देखिए प्रदीप जी, चुनाव जब होता है तो हार और जीत तो किसी ना किसी की होगी। हम सुप्रिया सुले जी को शुभकामनाएं देते, वो जीत गई है। जीतने के बाद हर कैंडिडेट इस प्रकार की बातें करता है कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ था और हमारे ऊपर वैसा हुआ था, काफी कठिन परिस्थिति में हम थे लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो कोई देखिए, एक जब आदमी जीतता है तो सामने वाला हारना जरूरी होता है, उसके बगैर सुप्रिया सुले जीतती नहीं। अगर इनकी जो मिसेस थी वो अगर जीतती तो सुप्रिया सुले को हारना पड़ता। तो इसमें क्या है, जो कामकाज उन्होंने किया रहेगा, उनको पब्लिक ने वोट किया है और उसकी वजह से वो जीत गई है।
लेकिन सावंत साहब, सावंत साहब अगर इसको इस सवाल को अलग तरीके से पूछा जाए, सुप्रिया सुले जीत गई, चलो अच्छी बात है, जीती वो तो एक्सपेक्टेड था ही, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। अब जैसे प्रवक्ता आकर के, तो भाई पार्टी के प्रवक्ता तो यही बोलेंगे ना हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है चुनाव के पहले, ये थोड़ी बोलेंगे असली स्थिति क्या है, वो तो सबको मालूम ही था कि भाई जीतने वाली है। लेकिन अजीत दादा पवार के आसपास जितने लोग हैं जिनसे हम लोगों की बात हुई है, वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने उनके कैंडिडेट्स के लिए अच्छी तरह काम नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है सर। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बातें तो मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कल ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य महाराष्ट्र के जो मुख्य नेता हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस प्रकार की बातों के ऊपर हर कार्यकर्ता ने कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें उचित नहीं है। हम एक होकर लड़े थे यहाँ पर, हर किसी ने एक दूसरे के लिए काम किया है, हमने उनके लिए किया है, उन्होंने हमारे लिए किया है, रिजल्ट सब अब पूरी दुनिया के सामने है, अब हमें विधानसभा के चुनाव के लिए कोशिश करनी है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप है, वो आरोप आप इसी वक्त हमारे ऊपर काम नहीं किया है और हमें यहाँ दूर करना है और जनता का विश्वास संपादन करके हमें ये बताना है कि इस महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से जो महायुति काम कर रही, उसी प्रकार फिर एक बार इस महायुति को हमें जिताना है, ना कि पिछली लोकसभा में जिस प्रकार से संजय राउत ने जो झूठा प्रचार किया था और उसके साथ उसकी पार्टी ने किया था, उस पार्टी को हमें मैंडेट देना है और इस बार जनता जागरूक हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है, और जो कमियां हमसे रह गई थी उस कमियों के ऊपर हमारी तीनों पार्टियां काम में लग गई हैं। हमारे मुख्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी, तीनों पार्टियां मिलकर अपने अपने पार्टियों के आमदारों को, खासदारों को काम पे अभी से लगा रहे, कार्यकर्ताओं को वो सूचनाएं दे रहे हैं और अधिकारियों को मंत्रालय में बैठ के कामकाज शुरू हुआ है आज से ही। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में और राज्य में दोनों प्रमुखों ने, मतलब पंत प्रधान और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं, वो कदम बहुत सराहनीय है, सराहनीय है जी, बिल्कुल कोई 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 दो राय नहीं है उसमें, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाकी सब भी हैं सर, दाल वगैरह के जो फार्मर्स हैं, मिल्क उत्पादक है जो सुप्रिया सुले जी, एंड बहुत जबरदस्त तरीके से बाढ़ आती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे पानी आता है, क्योंकि वी वॉच द क्रॉप पैटर्न्स एवरी ईयर। जी बोलिए सर। बजट जी इस बात के ऊपर उनको बुलाकर 2 बार इस सब्जेक्ट पर मीटिंग हुई कि बारिश, अगर तेज बारिश इस महाराष्ट्र में होती है तो क्या क्या हमारे पास उसके ऊपर इलाज किए गए हैं, और ऐसा होता है तो हमें किस प्रकार से हमारी जनता को बचाना है, उनको किस प्रकार से जो सुविधाएं है वो देनी चाहिए, और क्या क्या चीजें हमको अभी से रखनी चाहिए, एनडीआरएफ के टीम के साथ हमें कैसे एक दूसरे के साथ एक ये रखना चाहिए, टाइप रखना चाहिए, ये सारी बातों के ऊपर उसके ऊपर ये हर दिन सोचा जा रहा है। मुख्यमंत्री काफी सजग है इस बात के लिए, और मुझे ये लगता है, मुझे विश्वास है, मुंबई में भी पहली बारिश में कई जगहों पर कल बारिश पानी इकट्ठा हुआ था, अभी 1 घंटे पहले भी कई जगह पे पानी दिख रहा था। पहले बारिश में ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि कचरा वगैरह जो होता है, कई कारण होते हैं, जो कचरा मैनहोल्स के पास जाकर पानी इकट्ठा होता है, तो उसी के ऊपर महानगर पालिका को भी सजग किया गया है, कामकाज में लग गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो मुख्यमंत्री है और दोनों उप मुख्यमंत्री है, वो काफी अच्छा इसके ऊपर उपाय करेंगे और जितनी कम से कम हानि हो वो उसके ऊपर वो ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण उन्होंने करी 3री बार लगातार, जबरदस्त। आई होप एंड यू टू एडमायर योर लुक, वेरी इंप्रेसिव लुक आप लेके आए। लुक एट दैट जैकेट, फैंटास्टिक जैकेट, क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंडरफुल रीडिंग, ट्रूली वंडरफुल। बड़ा बड़ा आई विल टेल यू व्हाट प्रदीप जी, एज फार एज द फ्लड्स आर कंसर्न, द फ्लड्स आर गोइंग टू बी टेरिबल दिस टाइम,
and I hope to God they're prepared for it, because every year Maharashtra suffers from the worst kinds of floods. And it's a, by the way, there's a template which is already there in the Chief Secretary's office. They know every village, every district, every taluka, they know where people have to be shifted, in which school, in which government building, and so on and so forth. And that is an operation which takes place seamlessly, usually. And they've got a war room there. War room, a control room, and everything, you know, by video conferencing, they connect to each other. And this time they're getting satellite feed of rising waters and stuff like that. I hope the loss of life and property will be minimal this time. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के show में प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भैया, वो सब्सक्राइब कीजिएगा. प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. एंड वेल, लेट्स होप द थर्ड टर्म ऑफ मिस्टर मोदी विल बी इवन मोर स्पेक्टेकुलर देन हिज फर्स्ट टू. आई होप दैट हैपेंस. आप सब लोगों को जय सियाराम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.